हेलो पीपल, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम लोग पढ़ रहे थे क्या आईपीसीसी का लेक्चर नंबर 4, किसका? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ग्रुप नंबर 2, मई 2021 एग्जामिनेशन के लिए। हमें इस पेपर में पास होना है, इन एनी केस और इन एनी कंडीशन हमें पास होना है। सारा का सारा स्टडी मैट हम लोग पढ़ने वाले थे। इस लेक्चर की जो सीरीज चल रही है, इन लेक्चर में 3 लेक्चर मैंने रिकॉर्ड कर दिए हैं, अपलोड कर दिए हैं। जाके या तो प्लेलिस्ट में मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में लिंक छोड़ दूंगा, वहां से जाके पहले वो लेक्चर देखो, उसके बाद इस लेक्चर को आपको कंटिन्यू करना है, ठीक है सर? मैंने चैप्टर नंबर 3 को कितने पार्ट्स में कन्वर्ट किया था? मैंने 4 पार्ट में चैप्टर नंबर 3 को डिवाइड किया हुआ था। तो तीसरा पार्ट का लास्ट पार्ट मैंने छोड़ दिया था यहाँ पे, लास्ट लेक्चर में मैंने यहाँ पे छोड़ दिया था, उसको मैं यहाँ से कंटिन्यू कर रहा हूँ। नेटवर्क सिक्योरिटी से हमें पढ़ना है। तो समझो, नेटवर्क सिक्योरिटी क्या होता है। सबसे पहले कोई भी ये डब्बा है, सीपीयू है या फिर आपका मोबाइल फोन ले लो या फिर कुछ भी चीज़ ले लो, यहाँ से अगर आप किसी को भेजोगे नए इंटरनेट के थ्रू कोई भी चीज़ एक जगह से, एक मोबाइल से, एक कंप्यूटर से, एक लैपटॉप से, दूसरे मोबाइल, दूसरे कंप्यूटर, दूसरी पीसी, कहीं भी जाता है, किससे जाता है? इंटरनेट के थ्रू। ये जो येलो कलर का मैं बता रहा हूँ, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, हवा में बातें करते हुए जा रहा है। तो यहाँ पे ये जो बीच में हवा में बातें हुए करते जा रहा है, इस पर सिक्योरिटी लगाना, इसको बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। क्या बोलते हैं? नेटवर्क पर सिक्योरिटी लगाना। एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, तो इस पर सिक्योरिटी लगाना जरूरी है। क्यों लगाना जरूरी है? कहीं बीच में डाटा कोई उड़ा ना ले जाए, कोई यहाँ पे आके आपके डाटा को ब्रेक ना करे, मॉडिफाइड ना करे। इसलिए हमें डाटा पर सिक्योरिटी लगाना जरूरी है, अगर डाटा आपका इंटरनेट के थ्रू जा रहा है तो। इसको बोलते हैं नेटवर्क सिक्योरिटी। अब इसके रिगार्डिंग में यहाँ से लेके यहाँ तक, कहाँ तक? ये यहाँ तक और यहाँ, ये भी ठीक है, ये भी, और यहाँ तक, ठीक है, यहाँ तक के मैंने प्रॉपर तरीके से नोट्स बना रखे हुए हैं। तो आपको नोट्स कॉपी करना है, नोट्स कॉपी में आपको आराम से करा दूंगा। पहले आप कंसेप्ट समझो, फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं, ठीक है? तो सबसे पहले क्या होता है, जैसे कि आप इंटरनेट से कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर करते हो, सपोज करो व्हाट्सएप है, व्हाट्सएप है, ठीक है। अब व्हाट्सएप से अगर आपने, ये आपका फोन है या आपके फ्रेंड का फोन है, ओके, अब क्या होगा, आपने क्या लिखा? हाय, ठीक है। अब आपने जो हाय लिखा, ये इंटरनेट के थ्रू जाएगा, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू ही जाएगा, मतलब इस पर सिक्योरिटी लगाना जरूरी है। तो सबसे पहले क्या होगा, समझो, ये जो आपने हाय लिखा हुआ है ना, इसको हम क्या करेंगे, साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट करेंगे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ साइपर टेक्स्ट? साइपर टेक्स्ट का मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट बोले तो हमारा जो नॉर्मल हाय हेलो क्या है, कोई भी जो टेक्स्ट है उसको बोलते हैं प्लेन टेक्स्ट। अब जब आप प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हो साइपर टेक्स्ट में, इसका मतलब होता है प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करते हो साइपर टेक्स्ट में, तो उसको क्या कहते हैं कि भाई जो साइपर टेक्स्ट है वो अपने को कभी समझ में नहीं आता। ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट करना साइपर टेक्स्ट को, क्या बोलेंगे अपन, ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना जो अपने को समझ में ना आए, उसको बोलते हैं साइपर टेक्स्ट। प्लेन टेक्स्ट को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर देना जो समझ ना आए, उसको बोलेंगे साइपर टेक्स्ट, सिंपल सा। अब ये जो प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे हम कैसे करेंगे, एनक्रिप्शन की के थ्रू करेंगे। एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन की, एनक्रिप्शन का मतलब हो गया प्लेन टेक्स्ट को ऐसे कोड में बदल दो, आप किसी कोड में बदल दो, ठीक है, आपने किसी कोड में बदल दिया। तो जब आप कोड में कोई चीज़ बदल दोगे तो आपको क्या समझ में नहीं आएगी वो चीज़? जी हाँ बिल्कुल, आपको समझ नहीं आएगी। तो उसको बोल देंगे अपन कि भाई ये डाटा साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब जब ये डाटा रिसीवर के पास पहुंचेगा तो इसको क्या करेंगे, डिक्रिप्शन, ठीक है, डाटा को डिक्रिप्शन करेंगे। डिक्रिप्शन का मतलब क्या होगा कि जो साइपर टेक्स्ट में जो डाटा कन्वर्टेड किया गया है, साइपर टेक्स्ट में जो डाटा कन्वर्टेड है उसको डिक्रिप्ट कर दो और उसको प्लेन टेक्स्ट में लेके आ जाओ, समझ रहे हो? प्लेन टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट बोले तो समझ नहीं आ रही है, रिसीवर के पास जो डाटा पहुंचेगा वो प्लेन टेक्स्ट में होगा, कैसे होगा, डिक्रिप्ट कर दिया जाएगा। जो डाटा यहाँ पे एनक्रिप्ट किया था, कोड में बदला गया था, कोड को अब नॉर्मल टेक्स्ट में बदलने का बदल देंगे तो वो अपना प्लेन टेक्स्ट में आ जाएगा। सिंपल था, फॉर्मूला था, फंडा था, ठीक है। अब इसको मैं आपको और अच्छे से समझाता हूँ। जैसे हाय का आपने मैसेज लिखा, हाय आपने लिख दिया, ओके, आपने ये जूम करके बताता हूँ, हाय आपने जो मैसेज लिखा इसको अपने को साइपर टेक्स्ट में बदलना है। साइपर टेक्स्ट में कैसे बदलेंगे अपन, एनक्रिप्ट कर दिया, एनक्रिप्ट कर दिया। अब डाटा किस फॉर्मेट में जा रहा है, कुछ भी, ये उर्दू लैंग्वेज लिख दिया अपन ने, ऐसी लैंग्वेज जो समझना है उस लैंग्वेज में अपन ने डाटा को लिख दिया, ठीक है। अब ये जो डाटा किधर पहुंच गया, रिसीवर के पास पहुंच गया। अब यहाँ पे डाटा क्या होगा, डिक्रिप्ट होगा, क्या होगा, डिक्रिप्ट,
डिक्रिप्ट का मतलब ये जो लैंग्वेज जो भी लिखा हुआ है अपने को समझ नहीं आ रहा है, डिक्रिप्ट का मतलब हो जाएगा वही प्लेन टेक्स्ट में फिर से कन्वर्ट हो गया, यहाँ पे रिसीवर के पास हाई पहुंच जाएगा। ठीक है, ये छोटी सी सिक्योरिटी टेक्निक हम लोग अपनाते हैं। कुछ कुछ चीज़ें मैंने यूज़ की हैं तो वो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप अपने नोट्स में नेटवर्क सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी के बाद ये लिख दो। सबसे पहली चीज़ प्लेन टेक्स्ट। क्या होता है प्लेन टेक्स्ट? नॉर्मल हाई हेलो कोई भी टेक्स्ट होता है नॉर्मल टेक्स्ट। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को क्या कर दे आते हैं, एनक्रिप्ट करते हैं। ऐसी लैंग्वेज में एनक्रिप्ट मतलब 010 में या फिर कोई भी कोड में एनक्रिप्ट कर दिया जाता है जो समझना है। ठीक है, साइपर टेक्स्ट का मतलब मैंने समझा दिया कि भाई वो लैंग्वेज जो अपने को समझना है। प्लेन टेक्स्ट को ऐसी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दो जो समझना है विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन। एनक्रिप्शन मतलब कोड लैंग्वेज। ठीक है, अब उसके बाद डिक्रिप्ट करते हैं। डिक्रिप्ट कब करेंगे, जो प्लेन टेक्स्ट में जो भी प्लेन टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है कोई भी डाटा को, डिक्रिप्शन के थ्रू होगा। तो ये 5 स्टेप में हमारा काम होता है। एक बार और समझाता हूँ। पहली चीज़ क्या, प्लेन प्लेन टेक्स्ट से डाटा जाएगा किस में, साइपर टेक्स्ट में। साइपर टेक्स्ट में जाएगा, साइपर टेक्स्ट में जाएगा कैसे जाएगा, एनक्रिप्शन के थ्रू जाएगा। ठीक है, एनक्रिप्शन के थ्रू जाएगा। उसके बाद क्या किया जाएगा, एनक्रिप्ट साइपर टेक्स्ट हो गया, फिर यहाँ पे प्लेन टेक्स्ट में फिर कन्वर्ट कर दिया जाएगा रिसीवर के पास में प्लेन टेक्स्ट में। अब कन्वर्ट कैसे करेंगे, डिक्रिप्शन, डिक्रिप्ट करके, डिक्रिप्शन करके। तो ये स्टेप है, ये छोटा सा चार्ट बना लो। ठीक है, प्लेन टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे साइपर टेक्स्ट में थ्रू एनक्रिप्शन की के थ्रू, और साइपर टेक्स्ट को कन्वर्ट करेंगे प्लेन टेक्स्ट में कैसे, डिक्रिप्शन के थ्रू। यहाँ होगा सेंडर, यहाँ से सेंडर डाटा सेंड करेगा, ये होगा रिसीवर। प्लेन टेक्स्ट जो पड़ेगा वो रिसीवर होगा। ठीक है, ये करके अपना पूरा अपन ने खिचड़ी बना दी है। अब अपन अच्छे से समझ लेते हैं इन चीज़ों को और प्यार से। ठीक है, अभी आप सबसे पहले ये 5 चीज़ें लिख लो, प्लेन टेक्स्ट, एनक्रिप्शन, साइपर टेक्स्ट, डिक्रिप्शन और प्लेन टेक्स्ट। ठीक है, ऐसे हमारा डाटा कन्वर्ट होगा और रिकन्वर्ट होकर वापस रिसीवर के पास पहुँचेगा। उसके बाद मैं रफ कर रहा हूँ उस चीज़ों को। ठीक है, ठीक है सर, ये लीजिए, मैंने रफ करके मैं आपके सामने आ गया हूँ। अब समझो, अब क्या समझना अपने को, नेटवर्क सिक्योरिटी के अंदर आता है क्रिप्टोग्राफी। क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है क्रिप्टो सिस्टम। क्या आता है, क्रिप्टो सिस्टम, जो मैंने आपको समझा दिया। क्रिप्टो सिस्टम, क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है क्रिप्टो सिस्टम, जो अपने को लिखना है। ठीक है, क्रिप्टो सिस्टम, ये क्वेश्चन आता है भैया क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, तो अपने को 2 लाइन लिखनी है इसके अंदर। क्या लिखना है, क्रिप्टो सिस्टम क्या होता है, कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को इंटू साइबर टेक्स्ट में। लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो, पहले आप स्क्रीनशॉट लेना, स्क्रीनशॉट लो या फिर लिखना है आप लिख लो। ठीक है, अब फिर अपन आप पढ़ते हैं क्या कि इट कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट इनटू साइपर टेक्स्ट। कौन करता है, क्रिप्टो सिस्टम कन्वर्ट करता है प्लेन टेक्स्ट को साइपर टेक्स्ट में। ठीक है, ये लिखा हुआ है। ठीक है, इनटू साइपर टेक्स्ट, एंड रिकन्वर्ट करता है साइपर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट। रिकन्वर्ट कर देता है साइपर टेक्स्ट को प्लेन टेक्स्ट में बेस्ड ऑन एनक्रिप्शन की, एनक्रिप्शन की मदद से। एनक्रिप्शन बोले तो हमारे डाटा को ऐसे कोडिंग में कन्वर्ट कर दो, सॉरी, एनक्रिप्शन का मतलब सिर्फ इतना बोलना है कि हमारा जो प्लेन टेक्स्ट है उसको कन्वर्ट करो कोड्स में, कोड्स में। ठीक है, और साइपर का मतलब क्या होगा कि हमारे डाटा को कोड्स में जब आप कन्वर्ट कर दोगे जो अपने को समझ में ना आए उसको बोलते हैं साइपर टेक्स्ट। ठीक है, सिंपल थी 2 लाइन इसमें बोली है कि प्लेन टेक्स्ट को किस में कन्वर्ट कर देना है, साइपर टेक्स्ट में, और रिकन्वर्ट करना है जो साइपर टेक्स्ट है उसको प्लेन टेक्स्ट में किसके थ्रू, एनक्रिप्शन से। ठीक है, दूसरी लाइन क्या लिखना है, विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन डाटा बिकम्स मीनिंगलेस टू हैकर। जो हैकर्स होते हैं वो हमारे डाटा को नहीं पढ़ पाएंगे, ओनली ऑथराइज पर्सन कैन डिक्रिप्ट दी डाटा। हर कोई डाटा को डिक्रिप्ट नहीं कर पाएगा, सिर्फ ऑथराइज पर्सन ही उसको डिक्रिप्ट कर पाएगा। इसके सिर्फ 2 लाइन इसमें लिखना है, बस बात खत्म। ठीक है, अब बात करते हैं अपन एनक्रिप्शन क्या होता है, डिक्रिप्शन क्या होता है इसके ऊपर। ठीक है, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन आएगा कि अप्रोचेस ऑफ एनक्रिप्शन, ये आपने लिख लिया होगा आई थिंक, एक बार रीड करके छोड़ दे रहा हूँ, आप लिखना चाहो तो लिख लो। इट कन्वर्ट प्लेन टेक्स्ट इनटू साइपर टेक्स्ट एंड रीकन्वर्ट साइपर टेक्स्ट इनटू प्लेन टेक्स्ट बेस्ड ऑन एनक्रिप्शन कीज। ठीक है, दूसरी लाइन में क्या लिखना है, विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन, विद द हेल्प ऑफ एनक्रिप्शन डाटा बिकम्स मीनिंगलेस टू हैकर, ओनली ऑथराइज पर्सन कैन डिक्रिप्ट द डाटा। बस ठीक है, ये लिखना है अपने को क्रिप्टो सिस्टम के अंदर। क्रिप्टो सिस्टम का मतलब ये होता है। अब दूसरा क्वेश्चन आता है अप्रोचेस ऑफ एनक्रिप्शन, एनक्रिप्शन के अप्रोचेस, डायरेक्ट क्वेश्चन पूछते हैं अप्रोचेस ऑफ एनक्रिप्शन। तो इसमें बता दिया गया कि हार्डवेयर एनक्रिप्शन
और सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन, मतलब कि हम एनक्रिप्शन दो तरीके से कर सकते हैं। एनक्रिप्शन का मतलब हो गया कि हमारे प्लेन टेक्स्ट को, हमारे डाटा को कोट्स में कन्वर्ट कर देना, कोट्स 0101 या फिर कुछ भी, ठीक है, कोई भी 10001 कुछ भी ऐसे करके कन्वर्ट कर देना। अब हार्डवेयर एनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन क्या होगा? हार्डवेयर एनक्रिप्शन समझो क्या होता है कि ये आपका इंटरनेट है, ठीक है, या आपके घर में लगा हुआ मॉडम है। अब जो भी इंटरनेट के थ्रू जो भी इंफॉर्मेशन आएगी, ये लगा हुआ मॉडम, अब ये जो मॉडम है एनक्रिप्टेड फॉर्म में आएगा। इंटरनेट पे सारी इंफॉर्मेशन एनक्रिप्टेड फॉर्म में रहती हैं, हमारे पास जो डिवाइसेस लगे रहते हैं वो एनक्रिप्ट करते हैं और डिक्रिप्ट करते हैं। यहाँ पे जो किसी ने डाटा भेजा तो इंटरनेट के थ्रू आपके यहाँ मॉडम में आया, मॉडम बोले तो आपके घर का लगा हुआ डब्बा, वाईफाई के जो मॉडम लगा रहता है घर में लगा हुआ। अब ये क्या करेगा, सारे डाटा को एनक्रिप्ट करेगा, सॉरी डिक्रिप्ट करेगा, जो भी डाटा आ रहा होगा उसको क्या कन्वर्ट करेगा, डिक्रिप्ट करेगा, डिक्रिप्ट करते करते आपके पीसी तक वह पहुंचाएगा, ठीक है, आपका पीसी डब्बा, माउस लगा दिया छोटा सा, ठीक है, आपके पीसी तक लेके जाएगा, ये डिक्रिप्ट करेगा। इसको बोलते अपन हार्डवेयर एनक्रिप्शन, बोलते तो हार्डवेयर की मदद से, मॉडम हो गया, मॉडम की मदद से आप डाटा को डिक्रिप्ट करके आपके कंप्यूटर तक डाटा पहुंच रहा है, ठीक है, इसको बोलते अपन हार्डवेयर एनक्रिप्शन। और सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन मतलब आपका डायरेक्टली व्हाट्सएप ले लो, व्हाट्सएप फेसबुक, व्हाट्सएप ले लो, फेसबुक इंस्टाग्राम कोई भी चीज़ है, जब आप व्हाट्सएप से, ये व्हाट्सएप है, किसी के व्हाट्सएप पे भेजते हो तो हमारे, हमको कुछ नहीं करना रहता एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, सिंपली अपने को लिखना पड़ता है मैसेज और भेज देना रहता है। सॉफ्टवेयर रहते हैं व्हाट्सएप के अंदर भी, कोई सॉफ्टवेयर होगा जो व्हाट्सएप एप्लीकेशन है उसके अंदर भी ऐसी प्रोग्रामिंग की जाती है कि आपका जो डाटा है, आपका जो डाटा वो ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर दिया जाएगा। आपने जो हाय लिखा व्हाट्सएप से, आपके व्हाट्सएप से, वो डायरेक्टली एनक्रिप्ट होगा, एनक्रिप्ट होगा, एनक्रिप्ट होके रिसीवर के मोबाइल फ़ोन, रिसीवर का जो मोबाइल फ़ोन उससे पहले पहुँचने से पहले मोबाइल में ही, सॉरी पहुँचने से पहले नहीं, मोबाइल के अंदर ही वो डिक्रिप्ट हो जाएगा, डिक्रिप्ट होके यहाँ पर डिस्प्ले पर हाई दिख जाएगा, ठीक है। ये होता है सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, ठीक है। अब हार्डवेयर एनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन आप समझ गए। अब ये नोट्स बनाने लिखो फटाफट, अप्रोचेस ऑफ एनक्रिप्शन, उसके अंदर दो तरीके के होंगे, हार्डवेयर एनक्रिप्शन एंड सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन। सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन के आगे ये लिख देना, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन के आगे लिख देना, मैं समझाता हूँ आपको ये चीज़ कैसे चलती है। ये गूगल क्रोम में जो ये जो चीज़ें चलती हैं मैं बताता हूँ आपको, ठीक है। आप सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन के आगे चार चार तीर बना देना, चार तीर बना के लिख देना भैया, SSH, SFTP, ठीक है, HTTPS और लास्ट में SSL, इसको साइड रख देना। उसके बाद अपन हार्डवेयर एनक्रिप्शन के अंदर क्या लिखना है वो चीज़ मैं आपको लिखा रहा हूँ। हार्डवेयर एनक्रिप्शन, उसके अंदर अपने को छोटी सी तीन से चार लाइन लिखनी है, ये चीज़ लिखनी है। स्क्रीनशॉट लेना है आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है, नहीं लेना है तो लिखना चाहे तो लिख लो। ओके, क्या लिखा गया है, हार्डवेयर एनक्रिप्शन, हार्डवेयर एनक्रिप्शन समझा दिया भैया, मॉडम जो होता है आपका कन्वर्ट कर देता है। और एक और एग्जांपल मैं देता हूँ, आपके घर में लगी हुई जो टाटा स्काई का जो सेटअप बॉक्स, सपोज करो ये ऊपर आपका एंटीना लगा हुआ, ठीक है, आपके पास आपके घर में जो केबल टीवी आ रही है, हाँ ठीक है, ये जो केबल टीवी आ रही है आपके घर से, यहाँ लगा हुआ सेटअप बॉक्स, सेटअप बॉक्स, और सेटअप बॉक्स में क्या लगा हुआ है, ये यहाँ पे कार्ड लगा रहता है, ठीक है, और ये आपकी टीवी है, टेलीविज़न टीवी, ठीक है, आपकी टीवी लगी हुई। अब ये जो सेटअप बॉक्स है, ऊपर से जो भी डाटा आ रहा है, ऊपर से बोले तो इंटरनेट के थ्रू, सॉरी इंटरनेट नहीं, ये जो एंटीना के थ्रू आपसे जो भी केबल में जो भी डाटा आ रहा है ये एनक्रिप्टेड फॉर्म में, आपका जो सेटअप बॉक्स है ये डिक्रिप्ट करेगा, इसको बोलते हैं हार्डवेयर एनक्रिप्शन, ठीक है। ये जो डिक्रिप्ट करेगा उसके बाद ही आपके टेलीविज़न पे पहुंचेगा। और दूसरी चीज़, ये जो एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन में की, एनक्रिप्शन के अंदर की होती हैं, वो मैं आपको समझाऊंगा धीरे धीरे, शांति रखो। ये जो कीज़ होती हैं, यहाँ पे जो आपका जो ये जो कार्ड लगा रहता है, कार्ड में क्या, आप जब वाउचर डलवाते हो जब भी चलता है चीज़ है ना, तो ये जो है ये की है, पब्लिक की प्राइवेट की, ये की होती है, ये की अगर लगी होगी तो ही आपके सेटअप बॉक्स से डाटा एनक्रिप्ट होगा, सॉरी डिक्रिप्ट होगा, डिक्रिप्ट होकर टीवी पर जाएगा। ओके, तो अब ये जो एनक्रिप्शन है, हार्डवेयर एनक्रिप्शन बोले तो डब्बा, डब्बा जाके कन्वर्ट करेगा। तो क्या दे रखा हुआ है, सच डिवाइसेस आर अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट, ये डिवाइसेस डब्बे जो होते हैं रीजनेबल कॉस्ट पे अवेलेबल रहते हैं, ये लिखना है अपने को लाइन, ठीक है। इट सपोर्ट करता है हाई स्पीड ट्रैफिक, इट सपोर्ट हाई स्पीड ट्रैफिक, हाई स्पीड ट्रैफिक को सपोर्ट करता है, ठीक है। इफ़ इंटरनेट इज यूज्ड
टू एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन बिटवीन वन इंटरनेट एंड अदर इंटरनेट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। समझाऊंगा इसके बारे में भी, बस आप लिखते चलो, ठीक है। सच डिवाइसेस विल एंश्योर दैट कंप्लीट ट्रैफिक इज सिक्योर्ड। एग्जाम्पल में लिख देना मॉडम, मॉडम का मैंने आपको समझा दिया, ठीक है। एक बार और पढ़ते हैं। सच डिवाइसेस आर अवेलेबल एट रीजनेबल कॉस्ट। रीजनेबल कॉस्ट पर ये हार्डवेयर एनक्रिप्शन के डब्बे मिल जाएंगे, ओके। इट सपोर्ट हाई स्पीड ट्रैफिक, हाई स्पीड ट्रैफिक को ये सपोर्ट करते हैं। अगर इंटरनेट, इफ इंटरनेट इज यूज, इंटरनेट का यूज करते हैं क्यों, फॉर एक्सचेंजिंग ऑफ इंफॉर्मेशन बिटवीन वन इंटरनेट एंड अदर इंटरनेट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन। वन इंटरनेट ऑफ वन ऑर्गेनाइजेशन और दूसरा इंटरनेट ऑफ अदर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। सच डिवाइसेज विल एंश्योर करेगा, सच डिवाइसेज विल एंश्योर दैट कंप्लीट ट्रैफिक इज सिक्योर, ठीक है। अब एक बार और इसको मैं समझा देता हूँ, इस लाइन का मतलब क्या है। इंटरनेट का यूज करके एक कंपनी दूसरे कंपनी के डाटा को एक्सचेंज कर रही है, तो ये पूरा का पूरा यहाँ पे एक डिवाइस लगा दी जाएगी, यहाँ पे एक डिवाइस लगी जाएगी, ठीक है। तो ये डिवाइसेस एनक्रिप्ट करेंगी, डिक्रिप्ट करेंगी, ठीक है। बस इतना सा बोला था उस लाइन ने, बस खत्म, ठीक है। ये था, ठीक है, आपने लिख लिया होगा। उसके बाद आता है हमारा सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन। ये सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन क्या होता है, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन का मतलब मैंने आपको समझा दिया। जैसे आपके व्हाट्सएप में डली हुई एप्लीकेशन, व्हाट्सएप एप्लीकेशन के अंदर ही एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट होता है डाटा, तो इसमें क्या दे रखा हुआ, एप्लीकेशन बोले तो व्हाट्सएप, फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम जो भी यूज़ करना है, ठीक है। एप्लीकेशंस आर यूज टू एनक्रिप्ट एंड डिक्रिप्ट द डाटा। एप्लीकेशन का यूज़ किया जाता है डाटा को एनक्रिप्ट करने के लिए और डिक्रिप्ट करने के लिए। व्हाट्सएप के अंदर भी एक एप्लीकेशन होगी जो एनक्रिप्ट करेगी, डिक्रिप्ट करेगी। वो अंदर वाली एप्लीकेशन की बात चल रही है, ये व्हाट्सएप के अंदर भी एक एप्लीकेशन होगी जो डिक्रिप्ट करेगा, एनक्रिप्ट करेगा, ठीक है। अब पासवर्ड इज रिक्वायर्ड फॉर सच एनक्रिप्शन, पासवर्ड की आवश्यकता रहेगी, बिना पासवर्ड की चीज़ें नहीं होती हैं, ठीक है। उसके बाद क्या था, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल मेल पैकेजेस रिक्वायर्ड सच एनक्रिप्शन फॉर मैसेज सिक्योरिटी। जैसे कि मैंने मेल भेजा आपको, ठीक है, आप रिसीवर हो, मैं सेंडर हूँ, आप रिसीवर हो, तो ये जब भी हवा में जब भी जाएगा बोले तो इंटरनेट के थ्रू जाएगा, तो एनक्रिप्ट होकर जाएगा, आपके पास जाके वो डिक्रिप्ट होगा। अब पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड, पासवर्ड इज़ रिक्वायर्ड का मतलब क्या होगा कि मैं अगर सेंड कर रहा हूँ आपको, मैंने अगर सही मेल आईडी डाली होगी तो ही आप तक पहुँचेगा, समझ रहे हो। तो उसके लिए पासवर्ड हो गया कि डेस्टिनेशन, मतलब जो मेल आईडी सही है वहीं पे जाके मैसेज खुलेगा, डिक्रिप्ट वहीं होगा और कहीं डिक्रिप्ट नहीं होगा। सपोज करो मैंने राहुल को व्हाट्सएप मैसेज भेजा हाय, तो वो राहुल के व्हाट्सएप पे जाके ही डिक्रिप्ट होगा और कहीं जाके डिक्रिप्ट नहीं होगा, ठीक है। ये था हमारा सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन, हार्डवेयर एनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन। अब कैटेगरीज ऑफ एनक्रिप्शन और डिक्रिप्शन मेथड, कैसे डिक्रिप्ट होता है, कैसे एनक्रिप्ट होता है, कैटेगरीज के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। तो अब इसमें ये डायरेक्ट सेपरेट क्वेश्चन आता है, डायरेक्ट कैटेगरीज ऑफ एनक्रिप्शन एंड डिक्रिप्शन मेथड। तो आंसर लिखना है भैया, दो तरीके की कैटेगरीज होती है। सबसे पहले सीक्रेट की मेथड होता है, एक होता है हमारा पब्लिक की मेथड। मैंने उसमें लिख नहीं पाया हूं, तो मैं जस्ट अभी आपको लिख के आपको देता हूं, एक सेकंड का वेट करो। हाँ जी, तो मैं लेके आ गया, सीक्रेट की हो गया हमारा, सीक्रेट की मेथड, और एक होता हमारा पब्लिक की मेथड या फिर पब्लिक की एनक्रिप्शन। इसमें जल्दी फटाफट लिख दो कि भाई देयर आर टू कीज होती हैं। क्या होता है कि पब्लिक की के अंदर दो की होती हैं, प्राइवेट की और पब्लिक की, ठीक है। इसके अंदर दो की होती है, पब्लिक की एनक्रिप्शन के अंदर दो की होती है, पब्लिक की होती है उसके अंदर, प्राइवेट की होती है। इन दिस मेथड पब्लिक की इज अनाउंस्ड टू पब्लिक एंड प्राइवेट की इज केप्ट विद द रिसीवर। सिंपल सा फंडा अपने को लिखना है, समझा भी देता हूँ क्या बोला क्या है। सबसे पहले क्या होता है, एनक्रिप्शन के अंदर दो कैटेगरीज ऑफ एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन मेथड होता है। दो तरीके से हम एनक्रिप्ट कर सकते हैं, डिक्रिप्ट कर सकते हैं। आई होप आपको ये सब चीज़ें क्लियर दिख रही हो, नहीं दिख रही हो तो मैं एक बार रीड कर रहा हूँ, आप नोट्स बना लो प्रॉपर, ठीक है। सबसे पहले क्या है, सीक्रेट की मेथड। सीक्रेट की मेथड में क्या होता है, सम की इज क्यू सेम, सॉरी सम नहीं लिखा, यहाँ पे लिखना सेम। सीक्रेट की मेथड में क्या होता है, एक की रहती है, उसी से एनक्रिप्ट किया जाता है, उसी से डिक्रिप्ट किया जाता है, समझना। समझाता हूँ फिर अपन एक अच्छे से लिखते हैं। एक एनक्रिप्शन करना है, यहाँ से मेरे को भेजना है यहाँ तक, एक ही की होगी, इसे एनक्रिप्ट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर डिक्रिप्ट भी एक की के थ्रू, जैसे कि ताले की एक चाबी होती है, ताला जब बंद होगा, ये ताला है, ठीक है, ये ताला है, ये जब बंद होगा जब उसकी की होगी, ये रही हमारी की बोले तो चाबी, ठीक है। अब जब ही बंद होगा ना, एक की होगी, इसको कहते अपन, क्या बोलते हैं अपन इसको, सीक्रेट की मेथड, ठीक है। क्या बोलते हैं, सीक्रेट की। एक जब आपको एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन दोनों करना है सिर्फ एक की के थ्रू, उसको कहते हैं अपन सीक्रेट की मेथड। अब जब एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन
एक से ज्यादा की होती हैं, दो की के थ्रू करेंगे उसको बोलते हैं अपन पब्लिक की एनक्रिप्शन। ठीक है, ये दो चीजें। तो अब अपने को लिखना है तो लिखो कि भाई सेम की, सेम लिखना है, यहाँ पे सम लिख दिया मैंने गलती से, सेम की इज यूज्ड बाय द बोथ द सेंडर एंड रिसीवर। एक ही की से वो एनक्रिप्ट करेंगे, उसी की से डिक्रिप्ट करेंगे, उसको बोलते हैं सीक्रेट की मेथड। द सेंडर यूज यूज दिस की फॉर एनक्रिप्शन, सेंडर जो होगा वो एनक्रिप्शन के लिए यूज करेगा। देन द की इज ट्रांसमिटेड अलॉन्ग विद द डाटा, डाटा के साथ ही की को ट्रांसमिट करते हैं किस तक, रिसीवर तक। ठीक है, एंड रिसीवर यूजेस द सेम की टू डिक्रिप्ट द डाटा। सिंपल, दो मेथड से हम कर सकते हैं एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन, एक ही की के थ्रू करेंगे, उसको बोलते हैं सीक्रेट की मेथड। सिंपल, ठीक है। अब दूसरा मेथड आता है पब्लिक की एनक्रिप्शन बोल सकते हैं या फिर पब्लिक की मेथड बोल सकते हैं। पब्लिक की क्या, पब्लिक की मेथड के अंदर क्या होता है, दो की रहती है, एक पब्लिक की रहती है एक प्राइवेट की रहती है, दोनों की रहती है, दोनों की से किया जाता है। ठीक है, अब उसमें क्या लिखना है अपने को, देयर आर टू कीज रहती है, पहली पब्लिक की रहेगी एंड दूसरी रहेगी प्राइवेट की। अब इन दिस मेथड, ठीक है, की इज कौन सी, पब्लिक की, पब्लिक की इज अनाउंस्ड टू पब्लिक, पब्लिक की पब्लिक को अनाउंस कर दी जाती है, और प्राइवेट की इज कैप्ट विद द रिसीवर, जो रिसीवर होगा उसके पास प्राइवेट की रहेगी, और जो पब्लिक की उसको अनाउंस कर दिया जाता है पब्लिक को। ठीक है, सिंपल सा लिखना था, बस फंडा खत्म हो चुका है। आई होप आपने ये चीज लिख ली होगी, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। ठीक है, अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये हमारा की वाला मेथड कंप्लीट हो चुका है, देखो बताता हूँ अपन ने कहाँ तक कंप्लीट कर लिया है अपन ने। ये देखो नेटवर्क सिक्योरिटी है, नेटवर्क सिक्योरिटी में क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी के अंदर आता है साइपर टेक्स्ट, साइपर टेक्स्ट कर लेना। क्रिप्टोग्राफी में अगर आपको दो लाइन पढ़ना है स्टार्टिंग की, पढ़ के खत्म कर देना, सिंपल। उसके अंदर अपने को क्रिप्टोग्राफी लिखना है, ठीक है। उसके बाद उसका एनक्रिप्शन अपन ने पढ़ लिया है, ठीक है, प्लेन टेक्स्ट पढ़ लिया, साइपर टेक्स्ट, एनक्रिप्शन, ये सब चीज़ें पढ़ ली अपन ने। ये उसका वो दे रखा हुआ था क्या डायग्राम, सीक्रेट की हो गया, पब्लिक की हो गया, अपन ने सिंपली पढ़ लिया है। ओके, देयर आर टू अप्रोचेस, अप्रोचेस पढ़ लिए, कौन कौन से अप्रोचेस होते हैं, हार्डवेयर एनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन। सिंपल सा ये चीज़ कभी आपको कंफ्यूज कर सकती है। अप्रोचेस में आप सीक्रेट की पब्लिक की मत लिखाना है, अप्रोचेस में लिखना है अपने को हार्डवेयर एनक्रिप्शन, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन। ठीक है, हार्डवेयर एनक्रिप्शन और सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन, कैटेगरीज अगर पूछे तो सीक्रेट की और पब्लिक की। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या करना है अपने को, ठीक है, हमारा यहाँ तक हो चुका है। अब अपन पढ़ेंगे सिक्योरिटी, सॉरी नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स। नेटवर्क सिक्योरिटी प्रोटोकॉल क्या होता है, अभी अपन ने नेटवर्क पर सिक्योरिटी लगा दी थी, अब अपन नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल पढ़ेंगे। जो मैंने आपको सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन पढ़ाया था, SSH, SFTP, HTTPS और SSL, ये जो मैंने सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन में लिखाया था, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन में एक बार और मैं आपको नोट्स लेके आता हूँ। चलो ये मिल गया अपने को, हाँ जी ये रहा। सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन में मैंने आपको आगे चार तीर बनाने को बोला था, SSH, SFTP, HTTPS और SSL। ठीक है, ये चार चीज़ आपने लिखी होंगी। अब इन्हीं को मैं लिंक कर रहा हूँ, सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन से लिंक कर रहा हूँ चीज़ों को। ठीक है, तो वापस मैं आपको नोट्स में लेके जाता हूँ, अपन ने यहाँ पे छोड़े हुए थे नोट्स। ठीक है, ये चार चीज़ें यहाँ पे, अब ये कैसे काम करती हैं, क्या चीज़ है, समझो। सपोज करो आप चला रहे हो, क्या क्या चला रहे हो आप, गूगल क्रोम। ठीक है, आप गूगल का क्रोम चला रहे हो। अब क्या हुआ कि जब आपकी, जैसे गूगल क्रोम की जो विंडो है, आपकी विंडो से आपने कोई डाटा सेंड किया किस तक, सर्वर तक। ठीक है, सर्वर तक आपने डाटा सेंड किया। सपोज करो आप FB लॉगिन कर रहे हो, FB लॉगिन, तो यहाँ पे क्या होगा, एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन लगेगा यहाँ पे, जो मैंने आपको ऊपर पढ़ा दिया। एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक भेजो, या फिर आप आपके आपके कंप्यूटर से सर्वर तक डाटा भेज रहे हो, या फिर डाटा ले रहे हो, ठीक है, इंटरनेट के थ्रू जा रहा है, हवा में जा रहा है, तो वही सारी चीज़ें लगेंगी। प्लेन टेक्स्ट साइपर टेक्स्ट में कन्वर्ट होगा एनक्रिप्शन के थ्रू, फिर यहाँ जाके डिक्रिप्ट हो जाएगा। ठीक है, वही सारी चीज़ें यहाँ भी हो रही हैं। ओके, अब क्या होगा, आप वेबसाइट के थ्रू आप जा रहे हो इंटरनेट से, ठीक है। अब ये जो सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन होगा, यहाँ पे क्या होगा, हार्डवेयर एनक्रिप्शन नहीं है, ये होगा हमारा सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन। सॉफ्टवेयर एनक्रिप्शन में क्या, आप इंटरनेट, आपके जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम के अंदर ही एप्लीकेशन चली होंगी जो एनक्रिप्ट करेंगी डाटा को, और जब डाटा सर्वर से रिसीव होगा तो डिक्रिप्ट करेगी। सिंपल सा फंडा है, ठीक है। अब इसके अंदर चार चीज़ें आती हैं, चार सिक्योरिटी डलती हैं। कैसी सिक्योरिटी रहती है, SSH होगा, आपने देखा होगा कि HTTPS, जब आप वेबसाइट कोई भी www.google.com खोलोगे तो HTTPS आगे लिखा आता है, उसका एक लॉक लगा आता है,
ठीक है, क्लॉक लगा आता है। तो ये क्या है, एप्लीकेशंस के अंदर ये चार नेटवर्क सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, मतलब ये रूल्स डले हुए हैं। जो एप्लीकेशन एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगी ना, उसके रूल्स हैं ये, ठीक है। तो SSH होता है, SFTP होता है, HTTPS होता है, SSL होता है। ये समझने की कोशिश करना, कुछ कुछ पढ़ लेना इसमें से, समझना। आप इसको छोड़ के मत जाना, क्योंकि कुछ ना पढ़ने से अच्छा है कि कुछ कुछ दो दो लाइन, एक एक लाइन इसकी पढ़ लो। सिंपल, मैं ज़्यादा नहीं पढ़ा रहा हूँ, दो दो तीन तीन लाइन पढ़ा रहा हूँ कि भाई जो सॉफ्टवेयर इंक्रिप्शन होगा, सॉफ्टवेयर बोले तो ये जो गूगल क्रोम है, गूगल क्रोम के अंदर एप्लीकेशन डली हुई है, एनक्रिप्ट डिक्रिप्ट करेगी, तो वो उसके चार रूल्स हैं, उसके चार चार सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल्स हैं, कैसे वर्क करता है। SSH में मैं आपको स्टार्ट से पढ़ा रहा हूँ, सिक्योर शेल। SSH बोल SSH का मतलब होता है सिक्योर शेल, बस। तो ये जो सिक्योर सेल है, ये काम क्या करता है? सपोज करो एक कंप्यूटर है, इसको दूसरे कंप्यूटर में क्या करना है, अपने को, अपन ने इंटरनेट से कनेक्ट किया, अब अपने को इस कंप्यूटर से फाइल उठानी है, या फिर जैसे टीम व्यूअर आपने चलाया होगा, एनीडेस्क चलाया होगा, क्या रहता है एक कंप्यूटर में, यहाँ हम, ये कंप्यूटर है, ये दूसरा कंप्यूटर है, हम हमारे कंप्यूटर पर, ये मेरा कंप्यूटर है, ये आपका कंप्यूटर, में अपने कंप्यूटर पे आपका कंप्यूटर चला सकता हूँ, एनीडेस्क, और एक सॉफ्टवेयर आता है एनीडेस्क या फिर टीम व्यूअर, ठीक है, आपने सुना होगा ना, नहीं सुना तो एक आध बार डाउनलोड करके चला के देखो। दूसरे कंप्यूटर में, हम हमारे कंप्यूटर में बैठ के दूसरे कंप्यूटर के डाटा को निकाल सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं, ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके विंडो चला सकते हैं, उसका सॉफ्टवेयर चला, सॉरी, उसका को लैपटॉप चला सकते हैं, इन शॉर्ट। तो ये जो कनेक्शन होगा, इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए बोला गया SSH, सिक्योर सेल। सिक्योर सेल प्रोटोकॉल रखता है, सिक्योर सेल रूल लगता है। क्या बोला गया, सिक्योर सेल रूल, सॉरी, सिक्योर सेल क्या है, इट इज़ अ प्रोग्राम टू लॉग इन टू अनदर कंप्यूटर ओवर अ नेटवर्क। नेटवर्क के थ्रू दूसरे कंप्यूटर में आप लॉग इन कर सकते हो, टू एग्जीक्यूट कमांड, कमांड देने के लिए, इन अ रिमोट मशीन, जो दूसरी मशीन है बोले तो उसको अपन रिमोट मशीन बोलेंगे, दूसरा कंप्यूटर, ठीक है, और टू मूव फाइल फ्रॉम वन मशीन टू अनदर, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में हम आराम से फाइल को क्या कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं। अब ये जो ड्यूरिंग SSH लॉग इन, अब एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को कनेक्ट करना है, सॉरी, कनेक्ट नहीं करना है, अपने को यहाँ से बैठ के दूसरे का कंप्यूटर चलाना है, तो सामने वाले से एक्सेस तो लेना पड़ेगा ना। सपोज करो आप किसी का वाईफाई यूज़ करते हो, तो उससे पासवर्ड लेते हो ना, बिना पासवर्ड के थोड़ी ना चलता है। तो ये जो लॉग इन होगा, हम लॉग इन आई डी पासवर्ड डाल के सामने वाले का कंप्यूटर क्या करेंगे, एक्सेस करेंगे। ये जो लॉग इन होगा ना, ड्यूरिंग द एंटायर लॉग इन, ड्यूरिंग SSH लॉग इन, द एंटायर लॉग इन सेशन इंक्लूडिंग ट्रांसमिशन ऑफ पासवर्ड इज एनक्रिप्टेड। हम जो पासवर्ड भी डालेंगे, वो सारी चीज़ें एनक्रिप्टेड रहेंगी। ये जो हाईलाइटेड पोर्शन है ना, इसकी यही लाइन आपको लिखना है, बस, इसके अलावा आपको कुछ नहीं लिखना है, बस जो हाईलाइटेड पोर्शन है, बस इतना आपको लिखना है SSH के अंदर, इससे ज़्यादा मत लिखना। और आप इसको छोड़ने की सोच रहे हो तो प्लीज़ इसको मत सोचो, लास्ट अटेम्प्ट है, करना है तो करना है, हमें पूरा स्टडी मेट पढ़ना है तो पढ़ना है, और अटेम्प्ट को ख़त्म करना है, पास होना है इस बार, सीधा सा बात है। कुछ नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ इसमें से एक लाइन उठा के लिख लेना। अब दूसरा क्या आता है प्रोटोकॉल, SFTP, सिक्योर सेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, क्या बोलते हैं इसको, सिक्योर सेल SSH, ये लिखा हुआ है, ये अपन ने यहाँ से उठा लिया ऊपर से, सिक्योर सेल, ठीक है। FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पूरा फुल फॉर्म, हाफ फॉर्म ये है, SFTP फुल फॉर्म है, सिक्योर सेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब इसके अंदर क्या होता है तो समझो, क्या बोला गया है इसके अंदर, इसको बस इतना अपने को कितना लाइन लिखना है, सिर्फ ये, बस इतनी सी लाइन लिख दो, बस बात खत्म, ज़्यादा नहीं हो रहा, इतना आप करके चले जाओ, दो लाइन बस। क्या बोला गया है, इट इज़ अ कंप्यूटिंग नेटवर्क प्रोटोकॉल फॉर एक्सेसिंग एंड मैनेजिंग दी फाइल ऑन रिमोट फाइल सिस्टम। समझो क्या होता है, आपने कंप्यूटर, ये रहा आपने सर्वर है, ठीक है, आप क्या करते हो, कोई भी फाइल को एक्सेस करते हो, कोई भी चीज़ डाउनलोड करते हो, म्यूजिक डाउनलोड करते हो, इमेज डाउनलोड करते हो, कुछ भी चीज़ आप डाउनलोड करते हो, तो वो जो डाउनलोड करना या फिर अपलोड करना, वो जो एंटायर जो सेशन होगा, उसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है। सपोज करो सर्वर से कोई फाइल आ रही है, तो एनक्रिप्टेड होके आएगी, आपके लैपटॉप में जाके वो डिक्रिप्ट होगी, ठीक है। तो ये जो सारी चीज़ें होना, फाइल को डाउनलोड करना या फिर अपलोड करना, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, सिक्योर सेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ठीक है, तो वो एक काम करता है। बस इसमें दो लाइन यही लिखी हुई कि भैया कंप्यूटिंग नेटवर्क का प्रोटोकॉल है, एक्सेस करना है आपको, किस चीज़ को एक्सेस करना है, और मैन एक्सेस करना है और मैनेज करना है, किस चीज़ को, फाइल को, तो सिक्योर सेल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल लग जाएगा, ठीक है। अब तीसरी चीज़ आती है HTTPS। HTTPS आपने देखा होगा, आपके जब आप क्रोम खोलते हो,
ठीक है, तो उस पर आप जब कोई भी वेबसाइट सर्च करते हो तो HTTPS आगे लिखा रहता है। इसका मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, मतलब आप जो भी सर्च कर रहे हो, आप जो भी वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, वो सारी चीज़ें सिक्योर्ड हैं। किसके थ्रू? HTTPS, मतलब वही सारी चीज़ों को एनक्रिप्ट करवाएगा, डिक्रिप्ट करवाएगा, ठीक है, और उसके आगे ताला भी लगा रहता है। तो इसमें क्या बोला गया है, ये अपने को कहाँ लिखना है, पहले यहाँ लिखना है, इतना लिखना है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल फॉर सिक्योरिंग कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क, इतना लिख दो काफ़ी है, इतना लिख तो काफ़ी है, एक लाइन बस, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, सपोज करो आपने खोला क्या FB, आपने FB अपने कंप्यूटर पे खोला और यहाँ है सर्वर है FB का, ये जो आप कम्युनिकेशन कर रहे हो FB खोल के, चीज़ों को सर्च कर रहे हो, ठीक है, आप FB चला रहे हो, तो ये जो कनेक्शन होगा इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करेगा। कोई भी चीज़ को वेब ब्राउजिंग जब आप करते हो तो सिक्योरिटी कौन प्रोवाइड करता है? HTTPS, ठीक है, इसको बोलते हैं सिक्योर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। ये क्या कराता है, लिखा क्या है, इट इज़ अ कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल है, कम्युनिकेशन कराएगा फॉर सिक्योर कम्युनिकेशन ओवर अ कंप्यूटर नेटवर्क। कंप्यूटर में वेब ब्राउजिंग करना है, आपको कोई भी चीज़ सर्च करना है, तो HTTPS काम करेगा, ठीक है। उससे पहले क्या था, SFTP बोले तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, चल फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मतलब कि जब आप फाइल एक्सेस करते हो, मैनेज करते हो, अपलोड करते हो, डाउनलोड करते हो, तो ये वाला लगेगा। उससे पहले क्या था, SSH बोले तो सिक्योर चल, अब जब आप दूसरे कंप्यूटर में एक्सेस मारते हो, दूसरे कंप्यूटर से फाइल को मूव करते हो, एक्सेस करते हो, तो SSH लगता है, ओके। अब लास्ट वन है SSL, सिक्योर सॉकेट लेयर। SSL क्या होता है, HTTPS, HTTPS और HTTPS और SSL दोनों को कॉम्बिनेशन, ठीक है, मिला दो। कैसे मिलाओगे, मैं एग्जांपल देता हूँ आपको कि गूगल पे, गूगल पे है, ठीक है, गूगल पे क्या करोगे आप, पेमेंट करोगे, पेमेंट करोगे किस तक जाएगा, सर्वर, ठीक है, सर्वर से कनेक्शन होगा जब भी आप पेमेंट कर पाओगे। ये जो एंटायर कनेक्शन है इसको बोलते हैं एस सिक्योर, ये जो एंटायर कनेक्शन इसको सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है SSL। एक और एग्जांपल देता हूँ, अगर आपको समझ नहीं आया होगा, सपोज करो FB चला रहे हो आप, ठीक है, अब आप FB चलाते हो, ठीक है, ये आपका सर्वर है FB का, ठीक है, ये कनेक्शन हो चुका है, ठीक है, आप अच्छे से चला रहे हो, तो इसमें क्या लग गया, HTTPS। अब क्या कर रहे हो आप, डाटा डाटा आ रहा है, डाटा जा रहा है, ये हमारा क्या है, ये डाटा है, ठीक है, डाटा। अब डाटा पर एक और सिक्योरिटी लेयर चढ़ाई जाती है, डाटा के ऊपर एक और सिक्योरिटी लेयर चढ़ाई जाएगी, उसको बोलते हैं SSL। ये रहा, ये सिक्योरिटी एक और लगा दी, मतलब ये जो डाटा है इसको और पैक कर दिया, और कवर्ड कर दिया, इसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर। ये कहाँ पे यूज़ होता है, जब आप बैंकिंग के फंक्शंस करते हो, सपोज करो कि गूगल पे का एग्जाम्पल आप छोड़ो, सपोज करो आप नेट बैंकिंग से, ठीक है, नेट बैंकिंग से आप पहले तो आप क्या करोगे, सर्वर से कनेक्शन लोगे, आप लॉगिन आईडी पासवर्ड डालोगे, मतलब आप ठीक है, आपका आप क्या कर रहे हो, यहाँ पे एक्सेस हो गया, आपका बढ़िया मस्त नेट बैंकिंग चला रहे हो। अब आपको क्या करना है, पेमेंट करना, जब आप पेमेंट करने जाओगे, पेमेंट करने जाओगे तो जो पेमेंट का जो डाटा होगा उस पर एक्स्ट्रा लेयर चढ़ जाएगी भाई, किस चीज़ की, और डबल सिक्योरिटी लगा दी जाएगी जब आप पेमेंट करोगे, पेमेंट का जो भी डाटा होगा उसको बोलते हैं सिक्योर सॉकेट लेयर, सिक्योर सॉकेट लेयर। अब इसमें क्या दे रखा हुआ, अपने को दो लाइन लिखनी है, व्हेन व्हेन अ वेब ब्राउजर नीड्स अ सिक्योरली कनेक्ट टू अ वेब सर्वर ओवर दी इनहेरेंटली इनसिक्योर इंटरनेट। इसमें सिर्फ एक लाइन लिख दो, आपका काम हो गया। और एग्जांपल में लिखना है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड ट्रांजेक्शन, मतलब बोला गया आप वेब ब्राउजिंग कर रहे हो, HTTPS लगा हुआ है, अब HTTPS के साथ और एक्स्ट्रा सिक्योरिटी चाहिए जब आप पेमेंट वगैरह करते, तो SSL भी लगा दिया जाता है, सिक्योर सॉकेट लेयर, ऊपर से कवर करने के लिए, ठीक है। तो इसमें एक लाइन लिख देना, बस बात खत्म, कहाँ से कहाँ तक मैंने हाईलाइट कर दिया, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख देना, ठीक है। और एग्जाम्पल में ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड पेमेंट, ठीक है, हमारा काम हो गया। अब अपन आगे बढ़ते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स, नेटवर्क पर सिक्योरिटी लगाने की टेक्निक्स होती हैं हमारे कंप्यूटर में, हमारे कंप्यूटर में नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक्स होती है, बहुत बार एग्जाम आया हुआ है एग्जाम में, और ये आपने अच्छे से पढ़ा भी होगा, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है, तीन तरीके के आइडियाज होते हैं, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, नेटवर्क इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, हाइब्रिड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। ये आपने पढ़ा हुआ है, इसलिए मैं डेप्थ में बहुत ज़्यादा डेप्थ में नहीं जाऊँगा, बस मैं आपको समझाऊंगा ज़रूर। दूसरा होता है फायरवॉल, ठीक है, तीसरा कौन सा होता है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, एंटी मालवेयर और साइट ब्लॉकिंग। अब इसको बहुत अच्छे से मैंने नोट्स में दिया हुआ है, मैं आपको नोट्स तक लेके चलता हूँ, चलो मैं आपको लेके आ गया हूँ नोट्स तक। अब नोट्स में क्या, नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक,
ठीक है। अब ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक है, पहला क्या लिखना है अपने को, फायरवॉल, ये आपको लिखना है, ये आपको लिखना है। लिखने के बाद मैं आपको बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगा, बहुत अच्छे से। चलो स्क्रीनशॉट खींच लो, आप लिख लो फटाफट फुर्ती में, मैं आपको रीड भी करा दे रहा हूँ। फायरवॉल इट क्रिएट्स बैरियर बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, एक लाइन ही लिखना है, इट क्रिएट्स बैरियर बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल नेटवर्क, ठीक है, फटाफट लिखो। दूसरी लाइन में लिखना है एवरी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट, एवरी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट ट्रेवल्स इन फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एवरी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट ट्रेवल्स इन द फॉर्म ऑफ पैकेट्स, एवरी पैकेट विल हैव हेडर एंड फुटर, फटाफट लिखो, एवरी पैकेट विल हैव हेडर एंड फुटर, ठीक है। फायरवॉल विल वेरीफाई हेडर ऑफ ईच पैकेट, फायरवॉल विल वेरीफाई करेगा हेडर ऑफ ईच पैकेट, एंड इफ इट इज ऑथराइज पैकेट विल बी अलाउडेड एल्स इट वेयर ड्रॉप्ड, ठीक है। फायरवॉल विल वेरीफाई हेडर ऑफ ईच पैकेट एंड इफ इट इज ऑथोराइज द पैकेट, पैकेट्स आर अलाउडेड एल्स इट वेयर ड्रॉप्ड, ठीक है, इतना लिखना। अब फायरवॉल को मैं समझा देता हूँ, फायरवॉल के साथ साथ मैं सारी चीज़ों को समझा देता हूँ क्या चीज़ें होती हैं, ये जो नेटवर्क सिक्योरिटी की जो टेक्निक है सारी चीज़ें क्या होती हैं। सपोज करो आपका एक कंप्यूटर है, एक आपके कलीग का कंप्यूटर, आप ऑफिस में बैठे हुए हो, ये आपस में कनेक्टेड है, एक और कंप्यूटर ये आपस में कनेक्टेड है, चारों कंप्यूटर, ठीक है। अब ये जो पूरा आपका जो नेटवर्क बना हुआ है, इसको ऐसे ना लेते हुए एक और दूसरा डायग्राम बनाता हूँ, रुको, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ये कंप्यूटर, ठीक है, ये आपस में कंप्यूटर कनेक्टेड है, ठीक है। ये जो कनेक्शन है ये किससे कनेक्ट है, इंटरनेट से, ठीक है। यहाँ पे आपका मॉडेम लगा हुआ है, यहाँ से आपका इंटरनल, आपकी ऑर्गेनाइजेशन का इंटरनल नेटवर्क कनेक्ट हो रहा है, ठीक है, एक और ये कनेक्शन ले लिया, ठीक है। अब क्या हुआ, फायरवॉल का काम क्या होता है, फायरवॉल क्या है, यहाँ पे बैठी रहेगी बाउंड्री पे, हमारा जो इंटरनल नेटवर्क नेटवर्क चालू हो रहा है यहाँ पे बैठी रहेगी। अब फायरवॉल का काम क्या है, फायरवॉल क्या करेगी, कोई भी पैकेट, ग्रीन कलर से बना रहा हूँ इंटरनेट, ठीक है, इंटरनेट से ग्रीन, यहाँ पे कोई भी पैकेट, कोई भी पैकेट, सारी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पर पैकेट्स के फॉर्म में रहती है, जो ऑथराइज पैकेट होगा उसको एक्सेप्ट करेगी नेटवर्क में अंदर आने के लिए, और बाकी के जो पैकेट्स होंगी तो अनऑथराइज होंगे, उसको छोड़ देगी वहीं पे, इंटरनेट पे छोड़ देगी, ठीक है। इसका काम होता है, फायरवॉल का काम होता है, ये कहाँ पे बैठा रहता है, बाउंड्री पे, हमारी जो नेटवर्क होती है उसकी बाउंड्री पर बैठा रहता है, पहली चीज़ फायरवॉल, ठीक है। ये हमारा कंप्लीट हो गया, फायरवॉल आपने लिख भी लिया होगा तो एक बार पढ़ भी लो कि भैया इट क्रिएट्स अ बैरियर बिटवीन इंटरनल और एक्सटर्नल नेटवर्क, इंटरनल नेटवर्क और एक्सटर्नल नेटवर्क के बीचों बीच बैरियर क्रिएट करता है, और सारी की सारी इंफॉर्मेशन, एवरी इंफॉर्मेशन ऑन इंटरनेट ट्रेवल होती है इन द फॉर्म ऑफ पैकेट, पैकेट के फॉर्म में ट्रेवल होती है, एवरी पैकेट विल हैव हेडर और फुटर, हर एक पैकेट पर हेडर और फुटर रहता है। तो फायरवॉल क्या काम करेगी, फायरवॉल विल वेरीफाई द हेडर, हेडर पैकेट्स के ऊपर जो हेडर लिखा रहता है उसको वेरीफाई करेगी, अगर वह ऑथराइज है, इफ इट इज ऑथराइज द पैकेट्स आर अलाउडेड एल्स इट वेयर ड्रॉप्ड, एल्स इट वेयर ड्रॉप्ड, नहीं तो वो ड्रॉप हो जाएंगे, ठीक है। ये चीज थी फायरवॉल। तीसरी लाइन में क्या लिखना है, फायरवॉल इज प्लेस्ड ऑन बाउंड्री, जो बाउंड्री होती है हमारी जो नेटवर्क की बाउंड्री है, फायरवॉल यहाँ पर प्लेस्ड रहती है, ओके। हमारा फायरवॉल कंप्लीट हो गया, ठीक है, ये थी हमारी क्या, फायरवॉल। अब उसके बाद आता है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, IDS, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम के अंदर तीन तरीके के इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम होता है, नेटवर्क बेस्ड होगा, ठीक है, होस्ट बेस्ड होगा, और होगा हमारा क्या, हाइब्रिड बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। अब इसको क्या करना है, अपने को लिखना है इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम क्या चीज़ है, कि यह एक डिवाइस है और एक सॉफ्टवेयर है, क्या है, यह एक डिवाइस है और एक सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो, ठीक है, मॉनिटर करती है नेटवर्क को और सिस्टम एक्टिविटीज़ को, एंड पॉलिसीज वॉलेशन, पॉलिसी अगर आपने वॉलेट किए वो, एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट टू मैनेजमेंट सिस्टम, फटाफट लिख दो इस चीज़ को, इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, राइटिंग भले बेकार है लेकिन लिखो, समझ नहीं आ रही तो इसलिए मैं रीड कर रहा हूँ, आप एक बार लिख लो, इट इज़ अ डिवाइस और सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन दैट मॉनिटर करती है नेटवर्क, दैट मॉनिटर नेटवर्क एंड सिस्टम एक्टिविटीज एंड पॉलिसी वेरिएशन एंड प्रोड्यूस रिपोर्ट टू मैनेजमेंट सिस्टम, इतना लिख के खत्म करो, ठीक है। इसके तीन पार्ट होते हैं, मैं समझाता हूँ क्या है, पहले लिख लो, टाइप्स ऑफ इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम तीन होते हैं, नेटवर्क बेस्ड होता है, सच IDS आर प्लेस्ड ऑन आर नेटवर्क, नेटवर्क बेस्ड नेटवर्क पर बैठा रहता है, टू एनालाइज द ट्रैफिक एंड मेलिशियस इवेंट, दे आर प्लेस्ड आउटसाइड द बाउंड्री एंड इन्फॉर्म फायरवॉल, दे एक्ट एज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, फटाफट लिखो, such IDS are placed on a network to analyze it network traffic and malicious event, they are placed outside the boundary and inform firewall, they act as a preventive control,
फटाफट लिखो। उसके बाद क्या लिखना है, ये पार्ट है आइडियस का, सेकंड पार्ट है क्या है, होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। सच आइडियस आर डिजाइंड टू मॉनिटर एंड डिटेक्ट मेलिशियस एक्टिविटीज ऑन होस्ट कंप्यूटर सिस्टम। सच आइडियाज आर डिजाइंड टू मॉनिटर डिटेक्ट मेलिशियस एक्टिविटी ऑन होस्ट कंप्यूटर सिस्टम। दे आर विद इन दी बाउंड्री, दे आर प्लेस्ड विद इन दी बाउंड्री एंड इंटरेक्ट विद द यूजर, यूजर के साथ इंटरेक्ट करती है। दे एक्ट एज अ डिटेक्टिव कंट्रोल। समझाता हूँ शांति से, पहले लिखो। तीसरा क्या है, हाइब्रिड आइडियाज इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। हाइड्रस कॉम्बिनेशन है नेटवर्क बेस्ड का और होस्ट बेस्ड का। क्या लिखना है, इट ऑफर्स करता है मैनेजमेंट ऑफ एंड अलर्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम बोथ नेटवर्क बेस्ड एंड होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। इतना लिखना है, क्या लिखना है, इट ऑफर्स मैनेजमेंट ऑफ एंड अलर्ट नोटिफिकेशन फ्रॉम बोथ नेटवर्क बेस्ड एंड होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम। अब आ जाओ हमारे पुराने वाले चार्ट पे। लीजिए सर, मैं आपको उस चार्ट पर लेके आ गया। अपन ने फायरवॉल समझ लिया, अब अपन ने क्या पढ़ा, नेटवर्क बेस्ड पढ़ा, होस्ट बेस्ड पढ़ा और हाइब्रिड बेस्ड पढ़ा। अब जो होता है नेटवर्क बेस्ड, जूम करता हूँ यहाँ पे, ये हमारे कंप्यूटर्स लगे हुए थे, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, इंटरनेट के थ्रू ये तीनों कनेक्टेड थे, ठीक है। अब यहाँ पे कौन बैठा हुआ है, फायरवॉल बैठा हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मॉडम भी लगा हुआ है, मॉडम ही लगा हुआ है, मॉडम से ये अपन ने कनेक्शन दे दिया, उसके बाद ये फायरवॉल बैठा हुआ है, ठीक है। ये लो ये मॉडम, और अच्छे से बना देता हूँ मैं, ये लो ये मॉडम से कनेक्टेड है, ठीक है। उसके बाद ये फायरवॉल बैठा हुआ है बाहर ही, मॉडम से, मॉडम के बाहर, ठीक है। अब क्या हुआ, अब नेटवर्क बेस्ड किसको बोलेंगे, नेटवर्क बेस्ड जो होगा, नेटवर्क बेस्ड ये नेटवर्क पर बैठा रहेगा बाहर, फायरवॉल से और बाहर बैठा रहेगा, ये डाटा पैकेट्स आ रहे हैं नेटवर्क 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 बेस्ड के, यहाँ पे डाटा पैकेट्स आ रहे हैं। तो सबसे पहले नेटवर्क बेस्ड क्या होगा, ये क्या करेगा, मेलिशियस एक्टिविटीज़ को देखेगा, और क्या करेगा, पूरे ट्रैफिक को छानेगा, ट्रैफिक को देखेगा कोई मेलिशियस एक्टिविटीज़, कोई इवेंट, कोई ऐसी अलग सी चीज़ें तो नहीं आ रही हैं, फालतू की चीज़ें तो नहीं आ रही जो अनऑथराइज चीज़ें, सबसे पहले ये देखेगा। और कुछ भी चीज़ दिखी तो तुरंत जाएगा किसके पास, फायरवॉल के पास, फायरवॉल फायरवॉल कोई आ रहा है। जैसे घर के बाहर जो कुत्ता बैठा रहता है हमारा, अगर फालतू कुत्ता है, ठीक है, तो घर के बाहर अगर बैठा है कोई भी अनऑथराइज पर्सन दिखता है तो भूकना चालू करता है। सेम एज इट इज़ नेटवर्क बेस्ड IDS इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम का काम रहता है, वो ट्रैफिक को देखता है, एनालाइज करता है, कोई मैलिशियस एक्टिविटी इवेंट होता है तो वो तुरंत फायरवॉल को बताता है, ये नेटवर्क बेस्ड होता है। अब दूसरा मैंने पढ़ा था होस्ट बेस्ड, होस्ट बेस्ड क्या करता है, होस्ट बेस्ड येलो कलर से मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे और यहाँ पे, ये क्या करता है, पूरे नेटवर्क को इंटरनल नेटवर्क को देखता है, कौन देखता है, होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, इंटरनल जो नेटवर्क है उसको देखता है, दूसरी चीज़, और जो यूज़र के कंप्यूटर के अंदर क्या चल रहा है उसको भी देखता है, कोई मैलिशियस एक्टिविटीज, कोई इवेंट, ये सारी चीज़ें तो नहीं हो रही, वो सारी चीज़ें कौन देखता है, होस्ट बेस्ड देखता है। अब होता है हमारा क्या, तीसरा हाइब्रिड बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, तीसरा क्या था, हाइब्रिड बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, वो क्या है, मिक्सचर है दोनों का। क्या करता है, अगर इन दोनों से, होस्ट से या फिर नेटवर्क से कोई भी नोटिफिकेशंस वगैरह होता है वो अपने सिस्टम में जाके देता है, जैसे कि आपकी डिस्प्ले पे जाके पॉपअप होता है कभी कभी कि भाई एंटीवायरस है, सॉरी आपके आपके लैपटॉप में क्या वायरस है, ये है वो है, ठीक है। जब अगर आपने कोई सॉफ्टवेयर डलवा रखा हुआ है तो वो अपने को तुरंत बताता है, विंडो डिफेंसर करके आपके में वो आता है, क्या है, एंटीवायरस आता है, ठीक है, तो वो पॉपअप करता है चीज़ों को ना कि भाई आपके में क्या है, वायरस है, ये है वो, तो सारी चीज़ें शो करता है। तो ऐसे ही होस्ट बेस्ड में या फिर नेटवर्क बेस्ड में कोई भी दिक्कत है तो हाइब्रिड बेस्ड वो अपने मैनेजमेंट सिस्टम को जाके बोलेगा कि सिस्टम कुछ कुछ गड़बड़ हो रही है, ठीक है, ये चीज़ थी, अब मैंने आपको समझा दिया है। तो फायरवॉल आपने लिख लिया होगा, फायरवॉल का मतलब भी समझा दिया। इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम में इसमें आपको मीनिंग लिखनी है, छोटी सी दो लाइन की आप लिख दोगे, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। नेटवर्क बेस्ड में मैंने समझा दिया, फिर भी पढ़ो कि सच आइडियाज आर प्लेस ऑन नेटवर्क, नेटवर्क पर रहता है, बाउंड्री के बाहर रहता है, नेटवर्क पर बैठा रहता है, क्या करता है, एनालाइज करता है ट्रैफिक को, और मैलिशियस इवेंट, कोई भी घटना है मैलिशियस हो रही है तो दे आर प्लेस्ड आउटसाइड दी बाउंड्री, बाउंड्री के बाहर बैठा रहता है एंड इन्फॉर्म करता है फायरवॉल को। दे एक्ट एज अ प्रिवेंटिव कंट्रोल, ये हमारे नेटवर्क पे घुसने से पहले ही चीज़ों को बाहर निकालने की कोशिश करता है, इसलिए बोलते हैं इसको प्रिवेंटिव कंट्रोल। तीन लाइन इसके अंदर लिखना है, फटाफट आगे बढ़ते हैं। होस्ट बेस्ड पढ़ा दिया, होस्ट में क्या है, आइडियाज आर डिजाइन, सच आइडियाज आर डिजाइन टू मोनिटर एंड
डिटेक्ट मेलिशियस एक्टिविटीज एंड ऑन होस्ट कंप्यूटर सिस्टम। होस्ट कंप्यूटर सिस्टम मतलब जो हम कंप्यूटर चला रहे हैं, यूजर जो कंप्यूटर चला रहा है उसके कंप्यूटर में कोई दिक्कत तो नहीं आ रही, उसको देखता है, ठीक है, उसके नेटवर्क में कोई प्रॉब्लम तो नहीं, उसको भी देखता है। दे आर विद इन दी बाउंड्री एंड इंटरेक्ट विद यूजर। यूजर के कंप्यूटर में अगर होस्ट बेस्ड आईडीएस चला हुआ है तो इंटरेक्ट करेगा यूजर के साथ, यूजर के साथ अच्छे से, जैसे यूजर कुछ काम कर रहा है तो उसको बीच में इंटरेक्ट नहीं करेगा फालतू का, ठीक है, उसके साथ आसानी से काम करेगा यूजर के साथ, ओके। तो यही चीज़ बोला गया है, दे आर विद इन दी बाउंड्री एंड इंटरेक्ट विद यूजर। यूजर जो काम कर रहा है उसके साथ साथ काम करेगा, ऐसा नहीं कि भाई यूजर कुछ काम कर रहा है तो उसको रोक दे, ठीक है, या फिर उसको कोई प्रॉब्लम क्रिएट करे, आराम से यूजर के साथ फ्लेक्सिबिलिटीज के साथ इंटरेक्ट कर लेता है, ठीक है। दे एक्ट एज अ डिटेक्टिव कंट्रोल, ये डिटेक्ट करेगा चीज़ों को, पकड़ेगा नेटवर्क में कोई दिक्कत तो नहीं है, पकड़ेगा, ठीक है। हाइब्रिड बेस में बता दिया कि हाइब्रिड आइडियाज में क्या है, इट ऑफर करता मैनेजमेंट ऑफ एंड अलर्ट नोटिफिकेशन। अलर्ट नोटिफिकेशन देगा किससे, फ्रॉम बोथ नेटवर्क बेस्ड एंड होस्ट बेस्ड इंट्रूशन डिटेक्शन सिस्टम, ठीक है। तीसरी चीज क्या आती है हमारी, बाई साइट ब्लॉकिंग। अभी हम आईडीएस पढ़ रहे थे, आईडीएस के तीन पार्ट थे, अब तीसरा क्या आता है, नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक्स। तीसरी नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक है हमारी साइट ब्लॉकिंग। अब ये सबसे सिंपल है भाई, तुम अपने गूगल क्रोम में गए, कोई साइट तुम्हें ब्लॉक करना है तुम आराम से कर सकते हो, जैसे कि व्हाट्सएप पे आप किसी बंदे को ब्लॉक करना है, बंदी को ब्लॉक करना है, आप आराम से कर देते हो, ऐसे ही साइट ब्लॉकिंग करके तीसरी वो है हमारी नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक है, हम हमारे नेटवर्क को कैसे सिक्योर रख सकते हैं। तो तीसरी चीज़ साइट को ब्लॉक कर दो, वो अनऑथराइज जो साइट है उसको ब्लॉक कर दो। तो उसमें सिंपल सी दो लाइन लिखनी है, इट इज़ अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच है, ठीक है, दैट प्रोहिबिट्स द एक्सेस ऑफ सर्टेन वेबसाइट्स दैट आर डीम्ड टू बी इनअप्रोप्रिएट बाय द मैनेजमेंट। सिंपल एक लाइन लिखो, काम हो जाएगा। इट इज अ सॉफ्टवेयर बेस्ड अप्रोच दैट प्रोहिबिट्स द एक्सेस ऑफ सर्टेन वेबसाइट दैट आर डीम्ड टू बी इनअप्रोप्रिएट बाय द मैनेजमेंट। बस खत्म, स्क्रीनशॉट लेना स्क्रीनशॉट लो, बाकी आप लिख लो तो बेस्ट रहेगा, क्योंकि मेरी राइटिंग आपको समझ में भी नहीं आएगी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब चौथा नेटवर्क सिक्योरिटी टेक्निक है, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल। नेटवर्क में घुसने मत, जैसे कि आपके पास वाईफाई लगा हुआ है, आपने सिर्फ दो लोगों को पासवर्ड दिया हुआ है, अब जो तीसरा बंदा है उसके पास पासवर्ड नहीं है, वो अनऑथराइज पर्सन है, तो आप उसको आपके नेटवर्क में घुसने ही नहीं दोगे, समझ रहे हो, जब तक उसके पास पासवर्ड नहीं होगा वो घुस नहीं पाएगा। तो ऐसा ही नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल, नेटवर्क पर एक्सेस लगा के रखो कि भाई कौन एक्सेस कर सकता है कौन एक्सेस नहीं कर सकता है। इट इसके अंदर क्या लिखना है, इट एंश्योर्स आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन टू नेटवर्क। सिंपल, नेटवर्क एक्सेस कंट्रोल में क्या लिखना है, इट एंश्योर्स आइडेंटिफिकेशन ऑथेंटिकेशन टू दी नेटवर्क, बस बात खत्म, ओके। पांचवा क्या है, एंटी मालवेयर। आप अपने लैपटॉप या फिर पीसी में सॉफ्टवेयर डलवा के रखते हो, विंडो डिफेंसर हो क्या, या फिर और कोई भी डला के रखते हो, ठीक है, कोई कील का डला के रखते हो, क्यों डला के रखते हो, क्योंकि हमारे नेटवर्क हम अगर कोई पेन ड्राइव लगाते हैं या फिर हम अगर कोई गूगल क्रोम चला रहे हैं, कोई भी अनऑथराइज कोई भी मालवेयर कोई भी वायरस अगर अपने को दिखता है तो वो तुरंत पकड़ता है, अपने को नोटिफिकेशन देता है कि आपके लैपटॉप आपके पीसी में क्या है, वायरस है। सिंपल वही चीज़ है, ठीक है, सिंपल सी चीज़। उसके अंदर एक लाइन लिखना है एंटी मालवेयर के अंदर, इट मेक श्योर दैट मैसेज रियली फ्री फ्रॉम वायरसेस एंड मालवेयर। क्या लिखना है, इट मेक श्योर दैट मैसेज इज रियली फ्री फ्रॉम वायरस एंड मालवेयर, बस बात खत्म। ये हमारे नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक खत्म हो चुकी है, नेटवर्क सिक्योरिटी की टेक्निक हमने खत्म कर ली है। वापस से मैं नोट्स पर लेके आता हूँ, ओके, ये हम एंटी मालवेयर तक हम पहुंच चुके हैं, ठीक है, यहाँ तक अपन ने कर लिया, साइट ब्लॉकिंग भी हमने पढ़ लिया। अब ये आपके ऊपर है, पढ़ना है पढ़ लो, छोड़ना है स्किप भी करना चाहते हो स्किप कर सकते हो ये क्वेश्चन, बस अगर आपको पढ़ना है पढ़ लेना। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, नेटवर्क पर एडमिनिस्ट्रेशन करना है, नेटवर्क को मैनेज करना है, पहली चीज़ है ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन और मेंटेनेंस होना चाहिए और प्रोविजनिंग होना चाहिए, चार चीज़ें होना चाहिए। क्या बोला गया भैया, सबसे पहले इसकी मीनिंग रीड कर लो, ठीक है, मैं स्किप करा रहा हूँ, अगर आपको पढ़ना है पढ़ लो, थोड़ा थोड़ा सा ओवरव्यू दे देता हूँ। नेटवर्क मैनेजमेंट रेफर्स टू एक्टिविटीज मेथड्स एंड प्रोसीजर्स एंड टूल्स दैट पर्टेन टू ऑपरेशन एडमिनिस्ट्रेशन मेंटेनेंस एंड प्रोविजनिंग ऑफ नेटवर्क सिस्टम। क्या बोला गया है, आपका जो नेटवर्क है उसको कैसे ऑपरेट करना है, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन करना है, कैसे मेंटेनेंस करना है, ठीक है, उसको बोलते हैं नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट। तो पहली चीज़ बताया गया ऑपरेशन, ऑपरेशन कैसे होगा, ऑपरेशन में बोला गया डील्स विद कीपिंग द नेटवर्क अप एंड रनिंग स्मूथली। बोला गया कि भैया आपका नेटवर्क की स्पीड बहुत अच्छी आनी चाहिए, समझ रहे हो, नेटवर्क मैनेजमेंट क्या करेगा, स्पीड अच्छी देगा। ऑपरेशन में क्या बोला गया कि भैया डील विद
कीपिंग द नेटवर्क अप एंड स्मूथ चले, हमारा नेटवर्क स्मूथ चले, बहुत अच्छे से चले, तो ये ऑपरेशन का काम हो गया। दूसरी चीज़ एडमिनिस्ट्रेशन, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या बोला गया, कीप डीलिंग विद ट्रैकिंग द कीप कीपिंग सॉरी एडमिनिस्ट्रेशन डील्स विद कीपिंग ट्रैक ऑफ रिसोर्सेज इन द नेटवर्क एंड हाउ दे आर असाइंड। जो भी रिसोर्सेज लगे हुए हैं वो अच्छे से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, बस इतना सा सिंपल। तीसरी चीज है मेंटेनेंस, रिपेयर एंड अपग्रेड, इतना सा लिख दो बस, ठीक है। मेंटेनेंस इंक्लूड करता है रिपेयर एंड अपग्रेड, कोई भी टेक्निकली दिक्कत आती है तो नेटवर्क मैनेजमेंट, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन क्या करता है, नेटवर्क मैनेजमेंट सिस्टम क्या करता है, अभी हम चीज़ों को अपग्रेड कर देगा, रिपेयर कर देगा। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जैसे कि आपका वाईफाई कनेक्ट नहीं होता कभी कभी आपके लैपटॉप से, तो नीचे लिखा था ट्रबल शूटिंग, तो ट्रबल शूटिंग क्या है, ढूंढता है, ट्रबल शूटिंग मतलब प्रॉब्लम को ढूंढता है कि प्रॉब्लम कहाँ आ रही है, आपका इंटरनेट क्यों कनेक्ट कनेक्ट नहीं हो रहा है। तो सेम एज इट इज़ ये चीज़ चलती है, नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन एंड मैनेजमेंट, नेटवर्क को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, मैनेजमेंट करना है, रन करना है। तो पहली चीज़ ऑपरेशन थी भैया, ऑपरेशन के अंदर आएगा कि भैया नेटवर्क स्मूथ चले, बहुत तरीके से चले। एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर क्या आएगा कि भैया हमारे जो भी रिसोर्सेज लगे हुए नेटवर्क में वो अच्छे से उपयोग हो। तीसरी चीज़ मेंटेन करना, भैया रिपेयर करो, मेंटेनेंस करो। प्रोविजनिंग, प्रोविजनिंग में बोला गया कि भैया कन्फिगर रिसोर्सेज, रिसोर्सेज को चेंज करो, कन्फिगर का मतलब हो गया चेंज करना, रिसोर्सेज को चेंज करो ताकि बेटर से बेटर सर्विसेज दे सके, सिंपल इतना सा पढ़ लो। अब ये एफ कैप्स करके मैंने पहले लेक्चर में आपको पढ़ा दिया था, कैरेक्टराइजिंग नेटवर्क मैनेजमेंट फंक्शनिंग फंक्शन, नहीं देखा तो पहले लेक्चर जाके देखो, एफ कैप्स करके मैंने आपको पहले ही पढ़ा दिया था, तो यहाँ पे भी वो हाईलाइटेड है। अब अपन आगे जा रहे हैं इंटरनेट द इंटरनेट रिवोल्यूशन, इसमें से छोटा सा क्वेश्चन बन सकता है, सम डिस्टिंग्विश फीचर्स ऑफ इंटरनेट इंक्लूड्स, छोटा सा क्वेश्चन है कि भैया इंटरनेट के फीचर बता दो। क्या बोला गया, इंटरनेट डज नॉट हैव एनी सेंट्रल कंप्यूटिंग सिस्टम, बस इसको इतना सा रखो, ठीक है। दूसरी चीज़ क्या है, इट डज नॉट हैव अ हेडक्वार्टर और कोई गवर्निंग बॉडी, और इंटरनेट इज रैपिडली ग्रोइंग। अब इसमें तो इतनी चिंदी बात है कि इसमें क्या बता दूँ भैया, इंटरनेट का कोई सेंट्रल कंप्यूटिंग सिस्टम नहीं है, ठीक है, इसका कोई हेडक्वार्टर कोई गवर्निंग बॉडी नहीं है कि भाई कोई सेंट्रल गवर्नमेंट इंटरनेट को चला रहा है, और इंटरनेट इज रैपिडली ग्रोइंग, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, इंटरनेट के तीन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। आ सकता है क्वेश्चन, छोटू सा क्वेश्चन है, हिडन क्वेश्चन बना दिया गया, बस सिंपल खत्म। और इसके आगे ये जो चीज़ें हैं मैंने पहले ही लेक्चर में आपको पढ़ा दी थी, ठीक है, एग्जाम्पल तो बिजनेस कम्युनिकेशन, ये वाली मैंने आपको पढ़ा दी है पहले ही लेक्चर में, ओके। अब इसके आगे अपन पढ़ते हैं नेटवर्क एंड इंटरनेट। इस पार्ट में इंटरनेट में ये आप रीड करके छोड़ देना, ठीक है, बस ओके। अब एक चीज़ ध्यान रखो, जो मैंने यहाँ से पढ़ाया हुआ है ये इंटरनेट, यहाँ पे लिख दो भाई लोग पार्ट नंबर 4, ठीक है, पार्ट नंबर 4 यहाँ से अपना स्टार्ट हो चुका है, चैप्टर का लास्ट पार्ट हम लोगों ने स्टार्ट कर दिया है, ठीक है। एक थॉट आपको सुनाऊंगा, मंजिल मिल ही जाएगी भटकते ही सही, गुमराह तो वो है जो घर से निकले ही नहीं। अगर आप मेहनत कर रहे हो तो आप बेशक पास हो जाएंगे, आप आराम से सेकंड ग्रुप आराम से निकाल लेंगे, हिम्मत मत हारना, आपका मे का एग्जाम भी अब जून में हो चुका है, आराम से पेपर दो, आराम से आईटी का पेपर आपका स्टार्टिंग जून में रहेगा, तो आराम से बहुत शानदार तरीके से पढ़ाई करो, ठीक है, बहुत जोर से, बहुत मन लगा के अपने को पढ़ने का है, ठीक है। और एक चीज़ समझो, रिवाइज कैसे करना है आईटी, या फिर आपको याद कैसे करना है, ठीक है, मैंने आपके सारे के सारे चैप्टर्स को 1, 2, 4 और 5 चैप्टर्स को तीन तीन पार्ट में डिवाइड किया गया, और चैप्टर नंबर 3 को 4 पार्ट में डिवाइड किया गया, ठीक है। अब इस पार्ट्स में डिवाइड करने का क्या मेन मोटिव था, सीधा सा मैटर था, अगर मैं आपसे बोलूँ कि भाई चैप्टर नंबर 3 याद कर लो, आप बोलोगे बहुत बड़ा है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, याद करोगे करोगे करोगे, एट द एंड पहुँचते पहुँचते लास्ट चैप्टर तक, लास्ट चैप्टर नंबर 3 के लास्ट में पहुँचते पहुँचते आप बोलोगे यार बहुत बड़ा चैप्टर है, कुछ चीज़ें छोड़ देते, इसलिए मैंने पार्ट में डिवाइड किया है। अगर आप जब भी याद करो तो पार्ट में याद करना, सपोज करो चलो आज चैप्टर नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट याद कर लेते हैं, कल सेकंड कर लेंगे, परसों थर्ड पार्ट कर लेंगे, तो आपको एकदम से लोड नहीं दिखेगा कि भाई बहुत कुछ याद करना है आप, और जब भी रिवाइज करो तो आप ऐसे ही रिवाइज करना पार्ट में, चलो फर्स्ट पार्ट रिवाइज किया, चलो फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते, चलो फिर सेकंड पार्ट रिवाइज करो, फिर थोड़ा सा ब्रेक लेते, ऐसे पढ़ना, ठीक है। और कभी आपको फुर्सत मिले भाई 10 मिनट 15 मिनट का टाइम है, चलो कोई सा भी पार्ट उठा के आप रिवाइज कर लो, याद कर लो, एट द एंड अपने को चीज़ों को रटना है, ठीक है, ये चीज़ तो तय है, रटना है तो
पार्ट में रटो, एकदम से मत पूरा का पूरा एकदम से खाने की जरूरत नहीं, धीरे 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 चीजों को खाओ तो आराम से डाइजेस्ट भी होती है, ठीक है। तो इसलिए मैंने पार्ट में डिवाइड किया हुआ है। तो अपन लास्ट पार्ट हमारा चल रहा है पार्ट नंबर 4। ये बहुत आसान पार्ट है, बहुत जल्दी से जल्दी हो जाएगा, ठीक है। इंटरनेट के बारे में बता दिया गया, ठीक है, ये नेटवर्क पढ़ने की कोई भी आवश्यकता नहीं है। इंटरनेट आर्किटेक्चर, अब अपन फटाफट चलते, स्पीड बढ़ाता हूँ थोड़ी सी। इंटरनेट आर्किटेक्चर बोले तो भाई अपने को इंटरनेट कैसे कनेक्ट करना है, क्या करना है वो एक, ठीक है। और इंटरनेट सर्विस जो प्रोवाइडर्स होते हैं, जैसे एयरटेल का इंटरनेट है, किसी के पास जियो का है, तो अगर अपने को वॉइस कॉल करना है तो कैसे वो आपस में कनेक्ट होते हैं, कैसे मैं अगर किसी को कॉल करता हूँ इंटरनेट के थ्रू, सपोज करो मेरी सिम जियो की और आपकी सिम एयरटेल की, तो कैसे आपस में मेरा जियो का कनेक्शन तुम्हारा इंटरनेट एयरटेल का कनेक्शन कैसे कनेक्ट होता है, ये सारी चीजें, ठीक है। तो इंटरनेट का आर्किटेक्चर बोले तो इंटरनेट का ढांचा, तो इंटरनेट का ढांचा इसके अंदर यही क्वेश्चन है भैया, इंटरनेट का आर्किटेक्चर समझाओ। तो अपने को क्या लिखना है भैया, टू ज्वाइन इंटरनेट, इंटरनेट से कनेक्ट होने के लिए कंप्यूटर को कनेक्ट करना पड़ता है इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। अभी इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कौन होता है, सिंपल सा जियो, ओके, जियो वाला, और बोल सकता हूँ मैं एयरटेल, BSNL, वोडाफोन, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये कौन होते हैं इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये अपने को इंटरनेट प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो सिंपल तो बोला है टू ज्वाइन अ इंटरनेट, द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, बस बात खत्म, एक पॉइंट में ये लिखना है, ठीक है। उसके आगे सेकंड पॉइंट में क्या लिखना है अपने को, अ कॉमन वे टू कनेक्ट विद एन इंटरनेट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP भी बोलते हैं, टू इज टू यूज अ टेलीफोन, सॉरी, फोन लाइन टू अवर हाउस। मतलब क्या होता है कि अगर अपने को वाईफाई कनेक्शन लेना है, वाईफाई से अगर अपने को कनेक्ट करना है, तो अपनी जो टेलीफोन की लाइंस लगती थी उसको वो उसका यूज़ करके हम इंटरनेट ले सकते, ठीक है। सिंपल वे बता दिया, क्या रहता है कि भाई अगर अपने को वाईफाई कनेक्ट करना है तो क्या टेलीफोन वायर आपके घर में आ रहा हुआ है, उसमें मॉडेम लगाओ और आपके जो सर्विस प्रोवाइडर है उससे आप कॉन्टेक्ट करो, वो मॉडेम देगा आपको, मॉडेम लगाओ अपनी टेलीफोन वायर में और वहाँ से आपको कनेक्शन प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सिंपल वे है, ठीक है। अब यहाँ तक ही लिखना है अपने को तीसरी लाइन में, ठीक है। अब एक और छोटा सा हिडन क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ, ये दे रखा हुआ है कि देयर आर सेवरल अदर पॉपुलर वेज टू कनेक्ट टू एन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट करने के पॉपुलर वेज बताओ, एक क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। तो एक हिडन क्वेश्चन है, तो अपने को इस मेन क्वेश्चन के अंदर एक छोटा सा क्वेश्चन भी पढ़ना पड़ेगा। क्या बोला गया कि एक्सप्लेन, लिखवा देता हूँ, एक्सप्लेन वेरियस वे, वेरियस वेज टू कनेक्ट टू एन ISP, ISP बोले तो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ये क्वेश्चन आया हुआ है क्या, एक्सप्लेन वेरियस वे टू कनेक्ट टू एन ISP, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट कनेक्शन लेना है तो किस किस वे में कैसे ले सकते हैं हम। तो यहाँ पे तीन वे दे रखे हुए हैं, पहला है डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन, बोले तो टेलीफोन की लाइन से आप इंटरनेट ले सकते हो, ठीक है। दूसरा मेथड होता है कि जो आपकी टेलीविज़न होती है, टेलीविज़न की जो केबल होती है उससे भी आप इंटरनेट कनेक्शन ले सकते हो। तीसरा है वायरलेस जियो फाई, ठीक है। तीन तरीके होते हैं हम इंटरनेट ले सकते हैं, ओके। तो पहला इसके अंदर अपने को क्या लिखना है, हाईलाइट कराता हूँ, इसके अंदर क्या लिखना है कि भाई टेलीफोन लाइन्स दैट आर कनेक्टेड टू अवर हाउस फॉर डिजिटल डाटा ट्रांसमिशन, द कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू अ डिवाइस कॉल्ड DSL मॉडम दैट कन्वर्ट बिटवीन डिजिटल पैकेट्स एंड एनालॉग सिग्नल दैट कैन पास अनहिंडर्ड ओवर दी टेलीफोन लाइन। बस आपको इतना सा लिखना है, ये लाइन अपने को लिखा है। क्या बोला गया भैया, सीधा सा बोला गया कि जो आपकी टेलीफोन की लाइन होती है उसमें आप मॉडम कनेक्ट कर दो और अपने टेलीफोन सर्विस प्रोवाइडर से बोल दो कि मेरे को इंटरनेट चाहिए, बस बात खत्म। मॉडम भी बोला के दे देते हैं और उनसे बोल दो, उनको पे कर दो, तो वो आपको इंटरनेट प्रोवाइड कर देते हैं, उसी लाइन के थ्रू आपका इंटरनेट कनेक्ट हो जाता है, ओके। ये चीज़ आपको इतना सा लिखना है DSL में, और क्या लिखा गया है कि भाई ठीक है इतना ही बहुत है, ओके। अब दूसरी चीज़ ये उन्हीं का चार्ट दे रखा हुआ है। अब दूसरी चीज़ होती है अनदर वे इज टू सेंड सिग्नल थ्रू ओवर दी केबल TV सिस्टम, केबल TV सिस्टम बोले तो आपकी जो TV होती है, टेलीविजन के पीछे जो केबल लगी रहती है वो डिक्स की जो वायर रहती है उसके थ्रू भी आप इंटरनेट कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। अब क्या दे रखा हुआ, उसके आगे लिखना है देयर इज अ वे टू रीयूज द एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर इन दिस केस अदरवाइज अनयूज्ड केबल TV सिस्टम, ठीक है। दिस डिवाइस एट द, ये पूरा का पूरा अपने को लिख देना, ओके। अब ये जो नीचे क्या दे रखा हुआ है, दो लाइन में बोला गया है कि भैया दिस डिवाइस एट द होम एंड इज कॉल्ड द केबल मॉडम, ठीक है, एंड द डिवाइस
एट द केबल हेड एंड इज कॉल्ड CMTS, केबल मॉडर्म टर्मिनेशन सिस्टम। क्या होता है देखो, सपोज करो ये आपके घर में टेलीविजन की लाइन आ रही है, यहाँ पे CM लगा देंगे, क्या बोलेंगे CM, केबल मॉडर्म, केबल का मॉडर्म। यहाँ से आपकी एक वायर जाएगी आपके लैपटॉप तक कनेक्ट हो जाएगी, ठीक है। ये दूसरा लैपटॉप बना देता हूँ, दो लैपटॉप से कनेक्ट कर दो, ठीक है। अब जो हेड एंड होगा, केबल का हेड एंड होगा, केबल के हेड एंड पर ये एक बड़ा डिवाइस लगा रहेगा, इसको बोलेंगे CMTS, केबल मॉडर्म टर्मिनेशन सिस्टम, ठीक है। यहाँ से कनेक्शन आएगा। अब यहाँ से और किसी को भी कनेक्शन जा सकता है, किसी आपके पड़ोसी के घर में यहाँ से और को भी कनेक्शन जा सकता है, ठीक है, ऐसा रहता है। ओके, ये क्या करता है कि जो CMTS एक किसी की छत पे लगा दिया, ये डिवाइस है। अब यहाँ से मेन केबल की लाइन आ रही है, ठीक है, मेन केबल बोले तो जो सर्विस प्रोवाइडर वहाँ उसकी लेवल केबल की लाइन आ रही है। यहाँ पे चार कनेक्शन देना है, सॉरी तीन कनेक्शन देते हैं अपन यहाँ पे। यहाँ पे क्या CMTS लगा दिया किसी के घर की छत पे, ठीक है। अब बोलो हाँ जी हाँ, बोलोगे हाँ, ओके। अब किसी की छत से आप तीन कनेक्शन देना है अपने को, एक किसी आपके पड़ोसी नंबर एक को चला गया, ये पड़ोसी नंबर दो को कनेक्शन चला गया, और आप खुद, ठीक है। तो आप तीनों के घर को कनेक्शन मिल गया, किससे, इंटरनेट से, ओके। तो ये डिवाइस जो आपके घर के अंदर लगी रहती है इसको बोलते हैं केबल मॉडम, ठीक है। और जो ये डिवाइस छत पे लगी रहेगी जहाँ से बहुत सारे कनेक्शंस निकल के आएंगे उसको बोलते हैं CMTS, केबल मॉडम टर्मिनेशन सिस्टम, केबल मॉडम टर्मिनेशन सिस्टम, ये लिखा हुआ है। और ये लिखा हुआ केबल का मॉडम, ठीक है। और तीसरी क्या बोला गया, वायरलेस इज यूज्ड फॉर इंटरनेट एक्सेस फॉर 3G और 4G फोन। बोले तो भैया जियो फाई आजकल आ गया कि भाई वायरलेस से भी हम अपने इंटरनेट को कनेक्ट कर सकते हैं। सिंपल सा आंसर था, आगे बढ़ते हैं अपन बिना कोई टाइम को वेस्ट करते हुए। ओके, अब क्या हो गया, ये तो हमारा छोटा सा क्वेश्चन हमने कंप्लीट कर लिया कि भैया हम हमारे इंटरनेट को कैसे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट कर सकते, एक, ठीक है, दो और तीन पॉइंट हो गए इसके। अब जो मेन क्वेश्चन हमारा चल रहा था, इंटरनेट का आर्किटेक्चर, इंटरनेट का आर्किटेक्चर में पहला पॉइंट था कि भैया हमें हमारे इंटरनेट को कनेक्ट करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्शन लेना पड़ेगा। और कॉमन वे रहता है कि भाई हमारा टेलीफोन की लाइन जब हम इंटरनेट को कनेक्ट इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से कनेक्ट हो जाए, ठीक है। अब उसके अंदर, ठीक है, अब उसके अंदर तीसरा पॉइंट क्या आता है कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो आर्किटेक्चर है इज मेड अप ऑफ लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन। इतना लिख देना, बस बात खत्म, कि जो इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर का जो आर्किटेक्चर होता है, कि जो इंटरनेट का जाल है, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसमिशन के लिए बनाया गया है, ठीक है। अब क्या, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट देयर इंटरनेट टू एक्सचेंज ट्राफिक एट IXP। IXP क्या होता है वो मैं समझाता हूँ। सपोज करो आजकल फोन लगते हैं 4G, जियो की सिम है मेरे पास, जियो ये मेरा फोन है, ठीक है, ये आपका फोन है, काय का एयरटेल, ठीक है। अब मैंने फोन किया आपको, डायरेक्ट फोन नहीं जाएगा, ठीक है, डायरेक्ट फोन नहीं जाएगा, क्योंकि देखो मेरी जियो की सिम है और आपके पास एयरटेल का है। अब सपोज करो कि ये टावर लगा दिया अपन ने, ठीक है, ये जियो का टावर है, ये एयरटेल का टावर है। अब जो मेरा फोन मैंने लगाया, आप ये जियो के टावर पे फोन चला गया, ठीक है, जियो वाला सर्च करेगा कि किसको फोन करना है, आपको फोन करना है, आप कौन है, एयरटेल वाले हो, आपकी सिम किसकी, एयरटेल की। तो ये क्या करेगा, एयरटेल 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 के पास चला जाएगा, ठीक है, एयरटेल के पास जाएगा, एयरटेल से आपके पास फोन आएगा, ठीक है, सिंपल वे ये होता है। अब क्या होगा, इंटरनेट के थ्रू अगर आप कर रहे हो तो ये जियो का है, ये एयरटेल का है, तो ये कंपनी दूसरी, ये कंपनी दूसरी, तो एक पॉइंट होगा कि जहाँ पे अपने अपना जो डाटा का ट्रैफिक उसको एक्सचेंज करते हैं, समझ रहे हो, भले ही चार्ज करते हैं। सपोज करो जियो ने एयरटेल वाले एयरटेल की सिम पर फ़ोन किया तो ये चार्ज करता है, एयरटेल वाला चार्ज लेगा कि आप हमको फ़ोन करो, आप हमारे हमारे नेटवर्क का इस्तेमाल कर रहे हो, हम आपसे चार्ज लेंगे। एज इट इज़ जियो वाला भी लेगा किससे, एयरटेल से, अगर एयरटेल वाला कॉल करेगा किसको, जियो वाले को, ठीक है। तो एक पॉइंट होता है जहाँ पे एक दूसरे अपने डाटा को एक्सचेंज करते हैं, ठीक है, तो उसको बोलते हैं अपन इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ठीक है। तो वही चीज़ बोला गया कि भाई इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर कनेक्ट देयर नेटवर्क, इनका जो नेटवर्क है कनेक्ट होगा टू एक्सचेंज यू ट्रैफिक को एक्सचेंज करने के लिए, के एट कहाँ पे करेंगे, इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, एक पॉइंट होगा वहाँ पे इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट पर, वहाँ पर जाके इंटरनेट को एक्सचेंज करेंगे, ठीक है। अब इतना ही सा लिखना है अपने को। अब द पियरिंग, नेक्स्ट पॉइंट, द पियरिंग दैट हैपेंस एट इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट डिपेंड्स ऑन द बिजनेस रिलेशनशिप बिटवीन द ISPs। तो पियरिंग का क्या मतलब होगा कि भैया ये जो जियो वाला है कैसे
यहाँ तक पहुंचेगा, जो पियरिंग जो एक्सचेंज करेंगे, ये जो एक्सचेंज करेंगे ये किस पर डिपेंड है, बिजनेस रिलेशनशिप पे, जियो वाले के और एयरटेल वाले के कैसे रिलेशनशिप है, इनको कैसे एक्सचेंज कराना है। तो वही चीज़ बोलेगा कि भैया पियरिंग, पियरिंग का मतलब कि भैया डाटा एक्सचेंज कैसे होगा, ठीक है। तो जो पियरिंग होगी किस पर डिपेंडेंट है, बिजनेस रिलेशनशिप पे। जो पियरिंग डिपेंडेंट है कि भाई कैसे डाटा को एक्सचेंज करेंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, वो किस पर डिपेंडेंट है, इनके क्या बीचों बीच बिजनेस रिलेशनशिप है, खत्म। आखिरी पॉइंट पे आते हैं, द पाथ ऑफ अ पैकेट टेक्स थ्रू द इंटरनेट डिपेंड्स ऑन द पियरिंग चॉइसेस ऑफ द ISP। बस इतना सा पॉइंट लिखो, ठीक है। क्या बोला गया कि जो डाटा के पैकेट्स इंटरनेट पर इंफॉर्मेशन डाटा पैकेट्स के फॉर्म में ट्रेवल होती है, तो बोला गया कि भैया जो किस पाथ से डाटा जाएगा, जो पियरिंग हुई है कि भैया कैसे हम हमारे डाटा को एक्सचेंज करेंगे, जो रूल्स वगैरह बना दिए गए कि ऐसे ऐसे होगा, तो जो डाटा पैकेट अपना रूट किस बेसिस पर लेगा, पियरिंग जो हुई है उस बेसिस पर लेगा, ठीक है। बस सिंपल इतना सा पढ़ो, 5-6 पॉइंट हो गए, बस इनफ है, काफ़ी है, छोड़ दो, ठीक है। अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, इंटरनेट एप्लीकेशन। बोला गया है इंटरनेट का उपयोग कहाँ कहाँ कर सकते हैं, ठीक है। तो पहला बोला गया कि भैया ईमेल भेज सकते हो आप, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसलिए ज़्यादा डेप्थ में नहीं जा रहा हूँ। इंटरनेट के एप्लीकेशन सीधा सा बात है, ईमेल कर सकते हो, ब्राउज कर सकते हो साइट ऑन www पे, वर्ल्ड वाइड वेब पे, ठीक है। इलेक्ट्रॉनिक ई कॉमर्स कर सकते हो, हाईलाइट करा रहा हूँ, वही चीज़ याद रखना है अपने को, वही पॉइंट लिखना है, पूरा पूरा नहीं लिखना, ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन, ठीक है। उसके बाद आप सिंपल पॉइंट भी ढूंढ सकते हो, तो इनका सिंपल पॉइंट ढूंढ लेना। इलेक्ट्रॉनिक डिस्कशन फोरम, मीटिंग वगैरह रखना, बुलेटिन बोर्ड सिस्टम, ठीक है। और डाउनलोडिंग ऑफ सॉफ्टवेयर, आराम से डाउनलोड कर सकते हैं सॉफ्टवेयर, इंफॉर्मेशन फाइल्स, एक्सेसिंग डाटाबेस, ठीक है। रियल टाइम कन्वर्जेशन बोले तो चैटिंग आप आराम से कर सकते हो, किससे, विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट, ओके। और क्या कर सकते हो आप, ऑनलाइन सर्विसेज यूजिंग वेब ब्राउजर एंड सर्च इंजन, सर्च इंजन पे आप कुछ भी चीज़ सर्च कर सकते हो, और क्या कर सकते हो, ठीक है। गैदरिंग ऑफ इंफॉर्मेशन, आप आराम से इंफॉर्मेशन को गैदर कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, ठीक है। और सर्फ टू दी वर्ल्ड वाइड वेब, भैया फाइल को डाउनलोड करना, पेज डाउनलोड करना, कुछ भी चीज़ को आप वीडियो डाउनलोड करना, कुछ भी चीज़ डाउनलोड कर सकते हो, अपलोड कर सकते हो, ठीक है। इतना सा सिंपल था भैया इंटरनेट का उपयोग, ठीक है। अब आते हैं बिजनेस यूज ऑफ इंटरनेट, बिजनेस में क्या उपयोग है। अभी क्या क्वेश्चन पढ़ा अपन ने कि इंटरनेट के एप्लीकेशंस, इंटरनेट कहाँ कहाँ इस्तेमाल होता है, कहाँ कहाँ हम यूज़ कर सकते हैं। अब पूछते हैं भाई बिजनेस में कहाँ कहाँ यूज़ कर सकते हैं, सिंपल से 5-6 पॉइंट आप आराम से 6 पॉइंट ढूंढ लो, या फिर मैं आपको बता देता हूँ। स्ट्रेटेजिक बिजनेस अलायंसेस प्रोवाइड करना, कस्टमर एंड वेंडर सपोर्ट, कस्टमर को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, वेंडर को सपोर्ट प्रोवाइड किया जा सकता है, ठीक है। कोलाबोरेशन अमोंग दी बिजनेस पार्टनर, कोलाबोरेट कर लो, ठीक है। और क्या कर सकते हो आप, बाइंग करना, सेलिंग करना, प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो, ई कॉमर्स एम कॉमर्स के थ्रू मार्केटिंग कर सकते हो, ऑनलाइन मार्केटिंग एडवर्टाइजमेंट चला लो भैया, सेल कर सकते हो भाई, ठीक है। कस्टमर सर्विस एप्लीकेशन बोले तो कस्टमर के लिए एक एप्लीकेशन बना दी, उनको सर्विसेज दे रहे हैं, ओके। और एंटरप्राइज में कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन आराम से आप कर सकते हो। उसके बाद है अट्रैक्टिंग न्यू कस्टमर्स विद इनोवेटिव प्रोडक्ट, इनोवेटिव मार्केटिंग एंड प्रोडक्ट, ठीक है। ई कॉमर्स कर सकते हो, एम कॉमर्स भी लिख लो, ओके। ये सारे काम आप कर सकते हो, बाकी एक आध पॉइंट आपको लगे, 5-6 पॉइंट आराम से कर लो इसमें से, और एक आध और लगे तो ऐड कर सकते हो, हटाना हटा सकते हो, ठीक है। बस इनफ है, ओके। आगे बढ़ते हम लोग, इंट्रानेट, इंट्रानेट क्या चीज़ होती है। सपोज करो ये चीज़ है, एक कंप्यूटर, दो कंप्यूटर, तीन कंप्यूटर, चार कंप्यूटर, छोटा सा क्या है, ये छोटा सा ऑफिस है, एक कंप्यूटर दूसरे कंप्यूटर से कनेक्ट, दूसरा तीसरे से, तीसरा चौथे से, ठीक है। अब ये क्या है, मेरा एक ऑफिस है, आपस में कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, ये जो पूरे कनेक्टेड है इंटरनेट के थ्रू, ये लोग कनेक्टेड है, ठीक है। यहाँ पे मेरा वाईफाई लगा हुआ है, वाईफाई से ये लोग कनेक्टेड है, ठीक है। तो ये एक स्मॉल ऑफिस, स्मॉल बिल्डिंग में छोटे स्मॉल, ठीक है, लिमिटेड नंबर ऑफ कंप्यूटर्स अगर कनेक्टेड है स्मॉल ऑफिस में, स्मॉल बिल्डिंग में, तो उसको बोलते हैं इंट्रानेट। इसकी मीनिंग मैं बता देता हूँ कि एनी नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर कोई नेटवर्क है, अंदर ही अंदर है, उसको बोलते हैं इंट्रानेट। एक्सेस लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स को एक्सेस रहता है, बाहर वाला बंदा एक्सेस नहीं कर सकता। ये नेटवर्क एक स्मॉल बिल्डिंग या फिर स्मॉल ऑफिस में रहता है, ठीक है। तो अब इसकी मीनिंग क्या लिखना है, ये आपको लिखना है, ठीक है। एनी नेटवर्क
फिट इन दी ऑर्गेनाइजेशन, एनी नेटवर्क विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन इज कॉल्ड इंटरनेट, ओके। दूसरी लाइन में लिखना एक्सेस, एक्सेस इज गिवन टू लिमिटेड लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर्स, इट इज अ नेटवर्क विद इन द बिल्डिंग और इन ए स्मॉल ऑफिस, ठीक है। इस चीज को लिखो कि भाई इंटरनेट क्या होता है, कोई भी नेटवर्क विद इन दी ऑर्गेनाइजेशन, सिर्फ ऑर्गेनाइजेशन के अंदर होगा, ठीक है, उसको अपन इंटरनेट बोलेंगे। एक्सेस इज गिवन टू द लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर, लिमिटेड नंबर ऑफ यूजर भैया कंपनी के इंसान है, कंपनी के अंदर काम कर रहे हैं तो उन्हीं को एक्सेस मिलेगा, ठीक है। इट इज अ नेटवर्क विद इन दी बिल्डिंग और इन ए स्मॉल ऑफिस, यह नेटवर्क विद इन अ बिल्डिंग होगा या फिर किसी स्मॉल ऑफिस में होगा, ठीक है, इसको बोलते हैं अपन इंट्रानेट। अब एक और टर्म आती है एक्स्ट्रानेट, किसको कहते हैं, ठीक है, कोई भी नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन, फिर से डायग्राम बनाता हूं मैं, ये ठीक है, ये ऑर्गेनाइजेशन में कनेक्टेड है, ठीक है, इसको क्या बोलेंगे अपन इंट्रानेट है। अब एक्सेस ऑफ इंट्रानेट गिवन टू द आउटसाइडर, आउटसाइडर में मैं लेता हूँ कौन, सप्लायर, ठीक है, और बिजनेस पार्टनर हो गया, कोई भी पार्टनर हो गया, बिजनेस पार्टनर, ठीक है, या फिर कस्टमर, इसको क्या बोलेंगे एक्स्ट्रानेट। इसको बोलेंगे एक्स्ट्रानेट, ठीक है। कोई भी नेटवर्क, ये समझो इंटरनल जो नेटवर्क है, ये अंदर के अंदर क्या है, इंटरनेट है। जब इनका एक्सेस किसको दिया जाता है, बाहर वाले व्यक्ति को, किसी को भी, सप्लायर, बिजनेस पार्टनर या फिर कस्टमर को, तो इसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट विद द हेल्प ऑफ इंटरनेट। ये जो यहां से जो कनेक्शन जाएगा ये इंटरनेट के थ्रू जाएगा, ठीक है, तो इस पूरे को बोलेंगे भैया इंटरनल वालों का क्या, नेटवर्क को एक्सेस किसको दिया गया, बाहर वाले व्यक्ति को, तो उसको बोलते हैं एक्स्ट्रानेट। अब ये जो नेटवर्क देंगे ये इंटरनेट के थ्रू ही दिया जाएगा, इंटरनेट के थ्रू ही हम इंटरनेट को एक्स्ट्रानेट से कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की जरूरत पड़ेगी, समझो मैं क्या बोला, इंटरनेट, इंटरनेट ये है एक्स्ट्रानेट, इंटरनेट और एक्स्ट्रानेट को कनेक्ट करने के लिए इंटरनेट की आवश्यकता पड़ेगी। ग्रीन कलर से बना रहा हूं कि भाई ये है इंटरनेट, ठीक है, ये इंटरनेट है, ये इंट्रानेट है और ये एक्स्ट्रानेट है, बस, ठीक है, इतनी सी चीजें हैं, समझा दिए मैंने आपको। अब इंटरनेट की डेफिनेशन अपन ने लिख ली, मीनिंग लिख ली, सॉरी डेफिनेशन बोला मैं, मीनिंग है क्या, एनी नेटवर्क विद इन द ऑर्गेनाइजेशन उसको बोलेंगे इंटरनेट, इंट्रानेट, ठीक है, बस ये लिखना है। अब ये बीच की लाइन लिखने की आवश्यकता नहीं है। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन, भैया बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का हम बिजनेस में क्या इस्तेमाल कर सकते हैं। सपोज करो एक मेरा ऑफिस है, 1, 2, 3 पीसीस लगे हुए हैं इसमें, ठीक है, ये हम लोग आपस में काम करते हैं मिलके, तो अब आप बताओ बेनिफिट क्या होगा इंटरनेट के, क्या है बेनिफिट होगा बिजनेस में, क्या वैल्यूज मिलेंगी उसको। तो सबसे पहली चीज बता दिएगा कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, हम आपस में बातचीत कर सकते हैं, ये जो कनेक्शन है हम आपस में कोई भी फाइल को शेयर कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, बोले तो मेल भेज सकते हैं, ठीक है, आराम से चैटिंग कर सकते हैं, एप्लीकेशन आती हैं, ओके, ठीक है, तो इसके अंदर क्या लिखना है, कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन। सबसे पहले क्वेश्चन आएगा बताओ बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट, तो उसके अंदर पहला पॉइंट लिखना है कम्युनिकेशन एंड कोलाबोरेशन, कोलाबोरेशन एंड कम्युनिकेशन के अंदर क्या लिखना है कि यूजिंग एन इंटरनेट ब्राउजर एंड वर्क स्टेशन टू सेंड और रिसीव ईमेल, वॉइस मेल, फैक्स करना चाहिए, बस इतना, ठीक है, इतना लिख दो, बात खत्म, ठीक है, ओके।
दूसरा क्या होगा? दूसरा 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 वेब पब्लिशिंग, दूसरा काम कर सकते हैं वेब पब्लिशिंग। अब वेब पब्लिशिंग के अंदर क्या लिखना है अपने को? पब्लिश करना है वेरियस इंफॉर्मेशन प्रोडक्ट, ये सारी चीज़ अपने को लिखना है, ठीक है। अब वेब पब्लिशिंग के अंदर क्या चीज़ आ सकती है भाई? समझो, मैं कंप्यूटर कनेक्टेड है तीन, या आपस में कनेक्टेड इंटरनेट के थ्रू, ठीक है। तो अब क्या होगा कि मेरे को कोई भी क्या प्रोडक्ट का कैटलॉग अगर मेरे को शेयर करना है, तो मैं इसको शेयर कर दूंगा, ये इसको कर देगा, या फिर यहाँ से कनेक्शन ले लो, ठीक है। तो ओके, आराम से मेरे को कोई चीज़ शेयर करना है, इस तक पहुंचा दूंगा, इस तक पहुंचा देगा, ये इस तक पहुंचा देगा, कहीं ना कहीं से पहुंच जाएंगी, आराम से हम कोई भी चीज़ शेयर कर सकते हैं। सेकंड लाइन में ये चीज़ लिखा गया है, ठीक है। वेब पेजेस कर सकते हैं, ईमेल कर सकते हैं, नेट ब्रॉडकास्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। कंपनी का को कोई न्यूज़ लेटर है, कोई भी इंफॉर्मेशन हम आपस में शेयर कर सकते हैं। तीसरी चीज़ है भाई बिजनेस ऑपरेशन एंड मैनेजमेंट, बिजनेस के ऑपरेशंस एंड मैनेजमेंट। इसमें क्या बोला गया है कि इंटरनेट का इस्तेमाल करके हम प्लेटफॉर्म बना लेंगे इंटरनेट को, फॉर डेवलप करेंगे, इसको काट दो एंड इसको काट दो, ठीक है। डेवलपिंग बिजनेस एप्लीकेशन टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशंस एंड मैनेजरियल डिसीजन मेकिंग अक्रॉस दी इंटरनेट वर्क एंटरप्राइजेस, ठीक है। इतना आप लिखो। क्या बोला गया है कि भैया हम आपस में, अगर हम एक सॉफ्टवेयर कंपनी, तो हम आपस में एक एक अगर एप्लीकेशन क्या बनाना है अपने को, एप्लीकेशन बनाना है, तो आपस में डाटा लेके दे के आराम से हम तीनों एक प्रोजेक्ट पे वर्क कर सकते हैं, ठीक है। यही चीज़ बोली गई है क्या कि इंटरनेट इज बीइंग यूज्ड एज अ प्लेटफॉर्म, प्लेटफॉर्म बना लिया इस इंटरनेट को, हमने एक प्लेटफॉर्म बना लिया फॉर डेवलपिंग बिजनेस एप्लीकेशन, हमने एक बिजनेस एप्लीकेशन डेवलप करनी है, तो हमने इंटरनेट को प्लेटफॉर्म बनाया। हम आपस में तीनों बंदे तीनों पीसीस पर बैठ के क्या एक सॉफ्टवेयर बना रहा है, तो आराम से एक ही सॉफ्टवेयर पर काम कर सकते हैं, टू सपोर्ट बिजनेस ऑपरेशन और मैनेजमेंट। अब ये जो सॉफ्टवेयर बना रहे हैं, क्यों बना रहे हैं? क्योंकि बिजनेस को सपोर्ट मिले, बिजनेस के मैनेजरियल डिसीजन ले सकें, ठीक है। ओके, अब तीसरी चीज क्या है? एक देखो, ये हमारे तीन हो चुके हैं, ये हमारा तीसरा पॉइंट था, ठीक है सर। पहला पॉइंट क्या था भाई? कि भाई बिजनेस क्वेश्चन क्या था? बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट, इंटरनेट का बिजनेस में क्या इस्तेमाल है? पहली चीज़ है कम्युनिकेशन करना, इन कोलेबोरेशन करना, उसका तो वेब को पब्लिशिंग करना, चीज़ों को आसानी से शेयर कर सकते। तीसरी चीज़ है कि भाई किसी एप्लीकेशन को डेवलप करना, आराम से हम डेवलप कर सकते। अब एक हिडन क्वेश्चन आ गया, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेट क्वेश्चन आया हुआ है, एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेट यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट। राइटिंग अच्छी नहीं है तो आप उसका एडजस्टमेंट कर लेना, जैसा भी करना हो, ठीक है। एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट ये लिखो, यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है, ये जो छोटे छोटे पॉइंट्स दिख रहे हैं आपको, यहाँ से क्वेश्चन चालू हो रहा है। ये जो दिख रहे हैं आपको, ये चार पॉइंट, ये पांच पॉइंट है आपके इंटरनेट के एग्जाम्पल्स हैं, 1 2 3 4 5 इंटरनेट के एग्जाम्पल्स, ठीक है। डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया अभी, या पेपर में क्वेश्चन आ चुका, मई 19 में आया हुआ था कि भाई एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेट, तो ये पांच पॉइंट लिख देना। ओके, ऊपर वाला ये जो क्वेश्चन था वो अलग था कि बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट, बिजनेस में क्या वैल्यू है इंटरनेट की, बिजनेस वैल्यू ऑफ इंटरनेट ये खत्म हो चुका है। अब उसके आगे एक क्वेश्चन है भैया एग्जाम्पल ऑफ इंटरनेट, तो ये पांच पॉइंट लिखना है अपने को यहाँ से, ये जो ग्रीन कलर से मैं यहाँ से बता रहा हूँ, ये डब्बे में बंद कर दिए मैंने, ठीक है। ये आपके पाँच क्या होंगे? एग्जाम्पल्स ऑफ इंटरनेट। अब इसके अंदर भी अपने को हाईलाइट कर देना वो चीज़ को पढ़ना है कि मैनी कंपनीज आर डेवलपिंग कस्टमर एप्लीकेशन लाइक ऑर्डर प्रोसेसिंग, इन्वेंट्री कंट्रोल, सेल्स मैनेजमेंट एंड एग्जीक्यूटिव इन्फॉर्मेशन सिस्टम दैट कैन बी इम्प्लीमेंट ऑन इंटरनेट, एक्सट्रानेट एंड दी इंटरनेट, ठीक है। क्या बोला गया कि भैया बहुत सारी कंपनीज हैं जो डेवलप क्या करती है, एप्लीकेशन बना के बैठी हुई हैं, क्या करती हैं वो ऑर्डर प्रोसेस की। एग्जाम्पल देता हूँ मैं, स्विगी वाला, सपोज करो कि आपने कोई फूड ऑर्डर करा, तो वो बताता है भैया कि फूड प्रोसेसिंग में फूड प्रिपेयर हो रहा है, डिलीवरी बॉय आ चुका है, फूड लेके जा चुका है, फूड रास्ते में, फूड आप तक पहुंच रहा है, ऐसे ऐसी एप्लीकेशन है। तो आप तुरंत आप अपने फूड को ट्रैक कर सकते हो रियल टाइम बेसिस पर, ऐसी एप्लीकेशन डेवलप की हुई हैं, तो इंटरनेट का वह एग्जाम्पल है कि भाई ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है, कैसे चल रहा है, वो सारी चीज़ों को आप आराम से ट्रैक करो। कस्टमर्स आराम से चीज़ों को देख सकता है, समझ सकता है, कस्टमर के लिए एप्लीकेशंस बना दी गई। ओके, दूसरी चीज़ है, ठीक है, मैनी एप्लीकेशंस आर डिज़ाइन टू इंटरफेस विथ एन एक्सेस एग्जिस्टिंग कंपनी डाटाबेस। हमें किसी कंपनी का डाटाबेस निकालना है, आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है। एम्प्लॉयज़ विद इन दी कंपनी और एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर कैन एक्सेस एंड रन एप्लीकेशंस
यूजिंग वेब ब्राउजर फ्रॉम एनीवेयर ऑन द नेटवर्क वेन एवर नीडेड। ठीक है सर, ये तीसरा हमारा इंटरनेट का एग्जाम्पल हो गया। अब ये जो चीज़ें मैंने बताई हैं, ये दोनों चीज़ें कैसे होंगी भैया? कंपनी के अंदर तीन पीसीस लगे हुए, सपोज करो ये आपस में कनेक्टेड हैं, ये क्या है? इंटरनेट है, इंटरनेट है। जब ये इंटरनेट का एक्सेस जब बाहर वाली पार्टीज को मिलता है, बाहर वाली पार्टीज को जब मिलेगा, वो डाटा एक्सेस, डाटा को क्या कर सकती है? समझ सकती है, पढ़ सकती है। जब अपन देंगे डाटा इंटरनल वाले एक्सटर्नल वालों को, तो ये एग्जांपल्स बने हैं कि भाई जब एग्जिस्टिंग कंपनी का डाटाबेस जब बाहर जाएगा सामने वाले को समझने के लिए, तो इंटरनल जो डाटा हमारे पास डला हुआ है, तभी डाटा है, तभी अपन बाहर वाले को दे पाएंगे। समझ रहे हो? डाटा अपने पास डला हुआ है, अरेंज करके तभी अपन बाहर वाले को दे पाएंगे। इसलिए अपन ने इंटरनेट का एग्जांपल लिया है कि भाई जो कोई भी जो डाटा है वो प्रॉपर तरीके से मैनेज किया गया इंटरनली, इंटरनेट का बहुत अच्छे से कनेक्शन क्रिएट किया गया, तभी वो डाटा बाहर निकल पाएगा। इसलिए एग्जांपल्स डाले गए हैं कि भैया एग्जिस्टिंग कंपनी का अगर तुम्हें डाटाबेस निकालना है, तो बाहर वाली पार्टी आराम से निकाल सकती है, क्योंकि अंदर का कनेक्शन बहुत स्ट्रांग है, अंदर सारी चीज़ें अरेंज में रखी हुई है, अगर डाटा चाहिए तो प्रॉपर मिल जाएगा। ठीक है, और हमारा जो एम्प्लॉई है या फिर एक्सटर्नल बिजनेस पार्टनर है, वो भी आराम से एक्सेस ले सकता है इंटरनेट के अंदर। ठीक है, इसलिए एग्जाम्पल्स यहाँ डाले गए हैं। और अब क्या है कि कंपनी के न्यूज़लेटर, टेक्निकल ड्राइंग, प्रोडक्ट कैटलॉग, अब ये जो अंदर ही अंदर ये जो काम कर रहे हैं, ये आराम से आपस में कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। तो वही वाली चौथी पॉइंट में लिख दिया गया है। ठीक है, कैन बी पब्लिश इन द वेराइटी, ओके। और इसके बाद क्या है, इंटरनेट सॉफ्टवेयर, ब्राउजर, सर्वर्स एंड सर्च इंजन कैन हेल्प इजीली टू नेविगेट एंड लोकेट दी बिजनेस इन्फॉर्मेशन। बिजनेस की इन्फॉर्मेशन को आप आसानी से लोकेट कर सकते हो, इजीली नेविगेट कर सकते हो, अगर आपके ऑर्गेनाइजेशन में इंटरनेट कनेक्टेड है। तो सपोज करो ये दो, ये तीन कनेक्टेड है बहुत आसानी से। ठीक है, अब अगर आपको सर्च इंजन करके आपने क्या किया, यहाँ पे वेबसाइट बना दी, यहाँ पे आपका डाटा डाल दिया गया। अब लोग बाग क्या, ये आपका क्या इंटरनेट है, आपने अंदर ही अंदर सब कुछ डाटा अरेंज किया, उसको उठा के आपकी वेबसाइट पे डाल दिया, मतलब यहाँ पे फ्रंट एंड पे आपने बहुत सारी चीज़ें डाल दी हैं, तो यहाँ पे बाहर वाला बंदा आराम से आसानी से एक्सेस कर सकता है, आपका डाटा निकाल सकता है, समझ सकता है, आपको इजीली नेविगेट कर सकता है, लोकेट भी कर सकता है। सपोज करो आपने यहाँ पे अपना एड्रेस डाल दिया, अब लोकेट करना उसको, तो लोकेशन यहाँ पे देख लेगा। ठीक है, इसको बोलते हैं इंटरनेट का एग्जाम्पल्स। इंटरनेट आपका अच्छा है, सभी जाके आप बहुत सारे काम कर सकते हो। ठीक है, ये हमारा इंटरनेट खत्म हो गया। अब मैंने आपको एक और चीज़ पढ़ाई थी, एक्स्ट्रानेट क्या होता है। अगला क्वेश्चन क्या है एक्स्ट्रानेट। एक्स्ट्रानेट मैंने आपको समझा दिया, बस इसके मीनिंग आपको लिखाना था तो वो लिखो। क्या लिखाना है? एनी नेटवर्क, सॉरी एनी नेटवर्क नहीं लिखना, अपने को लिखना है एन एक्सेस ऑफ, इंट्रानेट गिवन टू आउटसाइडर्स। इस कॉल्ड एक्स्ट्रानेट। ठीक है, एनी एन एक्सेस ऑफ इंटरनेट गिवन टू आउटसाइडर इज कॉल्ड एक्स्ट्रा नेट, इसको अपन एक्स्ट्रानेट बोलेंगे। ठीक है, और क्या लिखना है? एक्सेस इज गिवन टू कस्टमर्स, बिजनेस पार्टनर्स, बीपी लिख रहा हूँ, बिजनेस पार्टनर्स और सप्लायर एक्सेट्रा। सिंपल। ठीक है, एन एक्सेस ऑफ इंटरनेट मैंने ऊपर आपको समझा दिया था, बस इसकी मीनिंग लिखवा रहा हूँ। एक्सेस ऑफ इंटरनेट गिवन टू आउटसाइडर, उसको अपन एक्स्ट्रानेट बोलते हैं। ठीक है, एक्स्ट्रानेट हमारा हो गया, मीनिंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक्स्ट्रानेट परफॉर्म्स दी फॉलोइंग फंक्शन। ये क्वेश्चन आ सकता है, एक्स्ट्रानेट क्या क्या फंक्शन फॉलो करता है? एस्टैब्लिश करता है डायरेक्ट वीपीएन, और ये दो लाइन अपने को लिखनी है। ये वाली लाइन, ठीक है, यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखो, नहीं तो पूरा लिखना है, पूरा लिखो, यहाँ तक लिखना है, यहाँ तक लिखो, नहीं तो पूरा लिखना है, पूरा लिख दो। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, एक्सटर्नेट क्या क्या परफॉर्म करता है? सपोज करो ये इंटरनेट है, ठीक है, तीन कंप्यूटर कनेक्टेड हैं आपस में। अब
एक्सेस किसको देते हैं अपन? बाहर वाले को। कौन है सप्लायर? इंटरनेट के माध्यम से, ठीक है, दे दिया। इसको क्या बोलेंगे अपन? एक्स्ट्रानेट। ओके ठीक है। तो अब इसमें क्या बोला गया, क्या क्या फॉलोइंग फंक्शंस को वह एक्सटर्नेट क्या क्या फॉलोइंग फंक्शंस को परफॉर्म करता है? तो पढ़ो, एस्टैब्लिश का था डायरेक्ट प्राइवेट नेटवर्क टू प्राइवेट नेटवर्क लिंक बिटवीन देम सेल्फ एंड क्रिएट अ प्राइवेट सिक्योर इंटरनेट लिंक बिटवीन देम, बोले तो वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क। अब समझो क्या हो गया, इंटरनेट का, ये इंटरनेट है, इंटरनेट ठीक है, ये का एक्सेस दिया गया बाहर वाले व्यक्ति को, सप्लायर को, तो यहाँ पे सिक्योर तरीके से कनेक्शन प्रोवाइड करेगा एक्स्ट्रानेट, ठीक है, ये चीज़ भूली गई है पहली लाइन में बस। दूसरी चीज़ में क्या है, अनसिक्योर्ड इंटरनेट का यूज़ करेगा। अनसिक्योर्ड हमारा जो, हम अगर इंटरनेट चलाते हैं तो वो सिक्योर होता है। कैसे होता है भाई? उसके अंदर इनक्रिप्शन डिक्रिप्शन होता है, SSH, मैंने आपको पढ़ाया था थोड़ी देर पहले, SFTP, HTTPS और SSL, ये सारे फंक्शन, ये प्रोटोकॉल लगे रहते तब जाके वो सिक्योर्ड होता है। इसलिए यहाँ पे बोला गया कि अगर कोई हम अनसिक्योर्ड इंटरनेट का यूज़ करते हैं एज अ एक्सटर्नल लिंक, हम इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं किस किस के बीचों बीच, इंटरनेट के बीचों बीच या कंज्यूमर के बीचों बीच एंड अदर के बीचों बीच, बट रिलाई ऑन एनक्रिप्शन और सेंसिटिव डाटा, इट्स ओन फायरवॉल सिस्टम टू प्रोवाइड द एडिक्वेट सिक्योरिटी। एक काम करो, आप यहीं तक लिखो, इसको काट दो, इसको काट दो तो बेटर है, ठीक है। क्या बोला गया है कि भाई जो अनसिक्योर्ड हम इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं, ये ठीक है, ये इंटरनेट है, ठीक है, ये एक्सटरनेट है, ठीक है, बाहर वाले पार्टी को कनेक्शन देना, दे दिया अपन ने। हमने क्या किया गया है, हमने यहाँ से इंटरनेट के थ्रू कनेक्शन ले लिया यहाँ पे, ठीक है, ये अनसिक्योर्ड है अभी। तो एक्सटरनेट का क्या काम होगा, एक तो डायरेक्ट वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क बना देगा तो यहाँ पे सिक्योर्ड कर देगा, या फिर दूसरी लाइन में भी सेम चीज़ बोल दी गई कि भैया ये जो बाहर वाले व्यक्ति हैं अंदर वाले व्यक्ति को कनेक्ट करने के लिए वो सिक्योर्ड तरीके से नेटवर्क प्रोवाइड करता है। ये दोनों लाइन में ये चीज़ें बोली गई हैं, अनसिक्योर्ड इंटरनेट का उपयोग करके वह एक्सटर्नल लिंक, बोले तो इंटरनेट और एक्सटर्नल बोले तो बाहर वाली पार्टी के बीच भी अच्छे से कनेक्शन क्रिएट करा देता है, बस बात खत्म। ये हमारा हो गया एक्सटर्नेट, ठीक है। अब एक्सटर्नेट में और क्या पढ़ना है अपने को, बिजनेस वैल्यू ऑफ एक्सटर्नेट, ये क्वेश्चन आता है, ठीक है। तो बिजनेस वैल्यू ऑफ एक्सटर्नेट में मैं ये इस वाली लाइन को मैं नेक्स्ट पेज पे यहाँ पे लिखवा देता हूँ, ठीक है, और आसानी से, ये सेकंड पॉइंट, ये थर्ड पॉइंट, ये फोर्थ पॉइंट, तो फर्स्ट पॉइंट ये लिखते हैं अपन, ठीक है। बिजनेस वैल्यू ऑफ एक्सटर्नेट, एक्सटर्नेट का बिजनेस में क्या उपयोग होगा? ओके तो लिखो पहली चीज, द वेब ब्राउजिंग टेक्नोलॉजी ऑफ एक्सट्रानेट मेक्स अ लॉट इजियर एंड फास्टर टू एक्सेस इंफॉर्मेशन ओके ये पहली लाइन लिखना है, बिजनेस बिजनेस यूज ऑफ एक्सटर्नेट, बिजनेस में एक्सटर्नेट का क्या यूज होता है? भाई देखो बाहर वाली पार्टी है, ठीक है, क्या करेंगे भाई, वेब वेबसाइट से ब्राउज कर लेंगे, वेब ब्राउजिंग समझ रहे हो, ठीक है, सर्च इंजन पे जाके हम उसकी वेबसाइट पे जाके सर्च कर लेंगे तो हमें किसी वेब कंपनी का डाटा अपने को आराम से मिल जाएगा। वेब ब्राउजिंग जो टेक्नोलॉजी है ऑफ एक्सटर्नेट, एक्सटर्नेट की टेक्नोलॉजी, ठीक है, मेक इट लॉट ईजियर एंड फास्टर टू एक्सेस ऑफ इन्फॉर्मेशन। सपोज करो मेरे को TCS की इन्फॉर्मेशन निकालना है, मैं TCS की वेबसाइट पे चला जाऊंगा, TCS की जो वेबसाइट बनी होगी वो इंटरनल डाटा से बनी होगी, इंटरनल क्या क्या होगा, वेबसाइट बनाई होगी, कैसे बनाई होगी उन्होंने, उनका जो भी डाटा होगा लेके उन्होंने सॉफ्टवेयर में डेवलप वेबसाइट डेवलप करके डाल दिया होगा डाटा को वेबसाइट के अंदर, ठीक है। तो अब जो वेब ब्राउज करूंगा मैं, इंटरनेट पर डालूंगा TCS के बारे में, TCS इन्फॉर्मेशन, तो वो TCS जो कंपनी की इन्फॉर्मेशन होगी वो मेरे को मिल जाएगी। तो वेबसाइट की जो ब्राउजिंग है, वेब ब्राउजिंग जो मैं कर रहा हूँ, ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है, किसके लिए, एक्सट्रानेट, ये एक्सट्रानेट की टेक्नोलॉजी है, एक्सट्रानेट की ये टेक्नोलॉजी है, हम आराम से और फास्ट तरीके से हम इन्फॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। एक पॉइंट हो गया। अब ये दूसरा पॉइंट क्या बोल रहा है, एक्सट्रानेट एनेबल अ कंपनी टू ऑफर न्यू काइंड ऑफ इंटरेक्टिव वेब एनेबल सर्विस टू देयर बिजनेस पार्टनर, ठीक है।
और इसके अंदर अपन यही लाइन लिख देते हैं, ठीक है। स्टार्टिंग की पहली लाइन लिख दो, आपका काम हो जाएगा। एक्सटरनेट एनेबल अ कंपनी टू ऑफर न्यू काइंड ऑफ इंटरेक्टिव वेब एनेबल्ड सर्विस टू देयर बिजनेस पार्टनर। बिजनेस पार्टनर भी आराम से इन्फॉर्मेशन को एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है। इम्प्रूव करता है कोलाबोरेशन और एनेबल करता है कोलाबोरेशन विद बिजनेस पार्टनर्स के साथ और कस्टमर्स के साथ, ठीक है। ये लाइन लिख दो, बहुत आसान थी, ठीक है। और एक्सटर्नल फैसिलिटेट एंड ऑनलाइन इंटरेक्टिव प्रोडक्ट डेवलपमेंट मार्केटिंग कस्टमर फोकस्ड प्रोसेस दैट कैन ब्रिंग बेटर डिजाइन प्रोडक्ट टू दी मार्केट फास्टर, ठीक है। ये भी लिख दो, चारों लाइन आपकी आसान है, बहुत आसान थी, ठीक है सर जी। आपका काम हो गया, चारों पॉइंट बहुत आसान थे। एक्सटर्नेट के वैल्यूज, बिजनेस वैल्यू ऑफ एक्सटर्नेट हमारा हो गया है। उसके बाद एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये दे रखा हुआ है, कंपनीज कैन यूज एन इंट्रा एक्सटर्नेट टू डू दी फॉलोइंग टास्क। इसका एक क्वेश्चन आया हुआ था May 15 में, आपका एक क्वेश्चन आया हुआ था कि एक्सटर्नेट यूज बाई दी बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। ऐसे आप क्वेश्चन भी लिख सकते हो, मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ क्या लिखना है अपने को। क्वेश्चन एक्सटर्नेट यूजेस, एक्सटर्नेट यूज बाय बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। एक्सटर्नेट यूज बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एक्सटर्नेट का कैसे इस्तेमाल करती है, एक क्वेश्चन आया हुआ था, ठीक है। तो सॉरी, एक चीज अपन अपन ने इसको आंसर डाल के लिखना, अपन ने क्वेश्चन लिख दिया, इसको डाल दो आप आंसर, ठीक है। क्वेश्चन क्या आ सकता है कि भाई हाउ एक्सटर्नेट कैन बी यूज इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। हाउ एक्सट्रानेट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। ओके, ठीक है। ऐसे आपका क्वेश्चन हो सकता है, हाउ एक्सटर्नेट कैन बी यूज्ड इन द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। उसका आंसर अपने को क्या लिखना है कि एक्सटर्नेट यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। 5 तरीके से हम यूज कर सकते हैं। तो पहला क्या हो जाएगा, शेयरिंग ऑफ प्रोडक्ट कैटलॉग एक्सक्लूसिवली विद द होलसेलर, कोलाबोरेशन विद अदर कंपनीज एंड ऑन जॉइंट डेवलपमेंट एफर्ट्स, ठीक है भाई। कोलाबरेट कर सकते हैं दूसरी कंपनी से। एक्सटरनेट का यूज कैसे करेंगे भाई, एक कंपनी के अंदर ये इनका सिस्टम है, इंटरनेट है भाई, अंदर आपस में कनेक्टेड है, तो बाहर एक्सटरनेट वाला भी क्या एक्सेस ले सकता है, काम कर सकते हैं साथ में, कोई डेवलपमेंट जॉइंटली डेवलपमेंट प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, ठीक है। जॉइंटली कुछ भी बनाना है बना सकते हैं, जॉइंट डेवलपमेंट और ट्रेनिंग प्रोग्राम का यूज कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे काम कर सकते हैं। और क्या बोला गया, प्रोवाइड और एक्सेस एक्सेस सर्विसेज प्रोवाइडेड बाय वन कंपनी टू अ ग्रुप ऑफ अदर कंपनीज। सपोज करो एक कंपनी 4 कंपनीज को कोई सर्विसेज दे रही है, तो एक्सटरनेट हुआ, एक कंपनी क्या है सर्विस दे रही है, उसके जो इंटरनेट है अंदर जो काम कर रहे हैं वो बाहर लेके आ रहे हैं, समझ रहे हो। ये कंपनी अंदर कुछ काम है, इन्होंने क्या किया, टीम वो बनाया, क्या ट्रेनिंग का पूरा मैनुअल बनाया, ट्रेनिंग कैसे देना क्या करना है, ये 4 कंपनीज को दे रही है, 1 2 3 और एक और बना लो, ये 4 कंपनीज को अगर दे रही है तो ये क्या कर रही है भैया, इंटरनल चीज को बाहर लेके जा रही है, एक्सटर्नल दे रही है, तो इसको बोलेंगे भाई एक्सटरनेट की मदद से 4 कंपनीज को ट्रेनिंग प्रोवाइड कर रही है। तो ये बिजनेस, तो ये कंपनीज क्या कर रही है, एक्सटरनेट का इस तरीके से यूज कर रही है। और आखिरी अगला पॉइंट क्या है, शेयर न्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट एक्सक्लूसिवली विद द बिजनेस एक्सक्लूसिवली विद द पार्टनर कंपनीज। तो ये हमारे 5 पॉइंट्स थे, 5 पॉइंट से ये अपने को याद करना है। क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि भैया हाउ एक्सटरनेट कैन बी यूज्ड इन द बिजनेस, ठीक है, हाउ एक्सटरनेट कैन बी यूज्ड इन बिजनेस, ठीक है, सिंपल सा। तो अपने को आंसर में लिखना है एक्सटरनेट कैन बी यूज्ड बाय द बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इन फॉलोइंग वेज। उसके बाद लिखना भी है 5 चीजें, शेयर कर सकते हैं प्रोडक्ट का कैटलॉग, कोलाबरेट कर सकते हैं विद अदर कंपनीज के साथ, जॉइंटली डेवलप कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं ट्रेनिंग प्रोग्राम, प्रोवाइड और एक्सेस सर्विसेज बाय वन कंपनी टू अ ग्रुप ऑफ कंपनीज, शेयरिंग न्यूज ऑफ कॉमन इंटरेस्ट की न्यूज विद पार्टनर कंपनीज के साथ हम शेयर कर सकते हैं, ठीक है, सिंपल था। आगे बढ़ते हैं अपन, ये जो चीज़ें इसको भले मत करना, ठीक है।
अब एक नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है, ये क्वेश्चन में 18 में आया हुआ था, 5 रूल्स ऑफ एक्स्ट्रा नेट, बी फ्लेक्सिबल एज अ बिजनेस, जो हाईलाइट कर रहा हूँ बस इतना पढ़ना, 5 एक्स्ट्रा नेट के 5 रूल होते हैं, इसको उठा के रट लो, सीधा सा मैटर है। बी फ्लेक्सिबल एज अ बिजनेस, डिप्लॉय इन इंटरनेट टाइम, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डाटा ओनर, ठीक है, सर्व पार्टनर एज अ कस्टमर, ड्राइव इंफॉर्मेशन टू फॉर डिसीजन मेकिंग, ऐसा लिख दो इसमें, इसमें उठा के थोड़ा सा करेक्ट कर दो, ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, ठीक है, MAKING, ठीक है, इसमें थोड़ा सा करेक्ट कर दो। ये क्या है, 5 रूल्स हैं एक्सट्रानेट के, 5 रूल्स हैं, एज इट इज याद करो, बी फ्लेक्सिबल एज बिजनेस, डिप्लॉय इन इंटरनेट टाइम, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ डाटा ओनर, सर्व कस्टमर, सर्व पार्टनर एज कस्टमर, ड्राइव इंफॉर्मेशन फॉर डिसीजन मेकिंग, खत्म, बाय बाय टाटा, ठीक है, ये क्वेश्चन हो गया। अब उसके बाद अपने को क्या पढ़ना है, ये जो चीज़ है इसको रीड करके छोड़ दो, ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ देना, कोई दिक्कत नहीं है। और उसके आगे एक और क्वेश्चन है, टेली कम्युनिकेशन में प्रोवाइड वैल्यूज थ्रू दी फॉलोइंग इम्पैक्ट, भैया टेली कम्युनिकेशन दूर संचार, मैं यहाँ बैठा हूँ, आप अपने घर पे बैठे हो, मैं यहाँ से आपको लेक्चर दे रहा हूँ, आप नॉलेज ले रहे हो, हम दूर बैठे हूँ, अगर मैं किसी को कॉल कर रहा हूँ, मैं यहाँ से इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, आप इन्फॉर्मेशन सुन रहे हो, तो क्या बोलते हैं इसको, दूर संचार, यहाँ से दूर किसी एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को, कहीं दूर बैठा हो उसको इन्फॉर्मेशन भेजना, डाटा भेजना, इसको क्या बोलते हैं, दूर संचार, ठीक है, सीधा सा मैटर है। अब इसकी क्या वैल्यू है, दूर संचार बोले तो टेली कम्युनिकेशन की वैल्यू क्या है, ये क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ है, क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है, टाइम कंप्रेस हो रहा है, भैया टाइम बच रहा है, आप ऑफलाइन क्लासेस जा रहे थे, वो सारी चीज़ आपको ऑनलाइन मिल रही है, ओवरकम ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन, आप कहीं भी बैठे हो, मैं यहाँ पे सपोज करो मैं इंदौर में बैठा हूँ, आप दिल्ली में बैठे हुए हो, तो ज्योग्राफिकल डिस्पर्शन की कोई दिक्कत नहीं आ रही है, मतलब मैं इंदौर से आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा हूँ, आपसे बात कर सकता हूँ, कहाँ दिल्ली तक, कहीं पे भी, तो कोई ऐसा दिक्कत नहीं आ रही है ज्योग्राफिकल, ठीक है। और रिस्ट्रक्चरिंग बिजनेस रिलेशनशिप, हम रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं बिजनेस के रिलेशनशिप को बहुत आसानी से कम्युनिकेट करके, ठीक है। तो ये टेली कम्युनिकेशन की वैल्यूज है, क्या क्या वैल्यू प्रोवाइड कर रहा है टेली कम्युनिकेशन, ठीक है। अब आता है ई कॉमर्स, ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में ये सारी चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बस आर करके छोड़ दो, क्योंकि हम सब कुछ नहीं पढ़ सकते, ठीक है। अब अपना क्वेश्चन बनता है क्या नेक्स्ट, बेनिफिट्स ऑफ ई कॉमर्स एप्लीकेशन एंड इम्प्लीमेंटेशन। अब आप ऑनलाइन क्या कर सकते हो, ऑनलाइन आप बिजनेस करते हो तो इसके बेनिफिट क्या होंगे, ऑनलाइन बोले तो अमेजोन फ्लिपकार्ट यहाँ कि अगर आप बिजनेस करते हो तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे, रिडक्शन इन कॉस्ट टू बायर्स, बायर को चीज़ें डायरेक्टली बेचोगे, पहले क्या होता था होलसेलर रिटेलर को बेचता था, रिटेलर कस्टमर को बेचता था, तो अब डायरेक्टली सेलर बायर को बेचेगा तो बीच का जो कमीशन है वो चला जाएगा, ठीक है, तो कॉस्ट टू बायर, ठीक है, रिडक्शन हो जाएगी किस चीज़ में, कॉस्ट टू दी बायर, ओके, सिंपल सिंपल चीज़ें पढ़ा रहा हूँ, रिडक्शन इन एरर टाइम एंड ओवरहेड कॉस्ट, ओवरहेड कॉस्ट भी बचेगी, टाइम भी बचेगा, फटाफट हम डिलीवर कर सकते हैं, ठीक है, रिडक्शन इन कॉस्ट टू सप्लायर बाय इलेक्ट्रॉनिकली एक्सेसिंग ऑफ ऑनलाइन डाटा बेस, ठीक है, ये सब छोटे छोटे पॉइंट है, बहुत आसान से पॉइंट है, 5-6 पॉइंट आप याद कर लेना इसमें से, ठीक है। क्रिएशन ऑफ न्यू मार्केट, न्यू मार्केट हम आराम से क्रिएट कर सकते हैं भाई, आप ऑनलाइन चले जाओ, ठीक है, अभी आप ऑफलाइन काम करते थे, आप ऑनलाइन काम करने लगे तो नया मार्केट मिल गया आपको, ठीक है। उसके बाद क्या है, इजी एंट्री इनटू अ न्यू मार्केट, भाई ऑनलाइन मार्केट जमाना, आप आराम से amazon.in पे जाकर रजिस्टर कर लो, आप ऑनलाइन हो गए, ठीक है, बस आपको बेचना है मार्केट में सामान, बस बेटर क्वालिटी ऑफ गुड्स स्पेसिफिकली आर स्टैंडर्डाइज्ड एंड कॉम्पिटिटिव, ठीक है, ये चीज़ बढ़ चुकी है, बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट आप प्रोवाइड कर सकते हो, फास्ट है, ओके, फास्ट टाइम टू मार्केट, ये भी लिख सकते हो अगर आपकी इच्छा हो तो आप लिख दो, ठीक है। उसके बाद है क्या, रिडक्शन इन इन्वेंट्रीज, सपोज करो आपके पास अभी आपकी सेल नहीं हो रही, सपोज़ करो अभी आपकी सेल नहीं हो रही है तो आपको इन्वेंट्री मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है, कभी जब ऑर्डर आया, अगर आप ऑनलाइन अमेज़ॉन पे सामान बेचते हो, जब आप ऑर्डर आएगा, सपोज़ करो आपने ऑर्डर आ गया 100 यूनिट्स बनाने का, तो तब तुरंत बना बना के आप दे दोगे, तो आपने कोई इन्वेंट्री मेंटेन करने की आवश्यकता नहीं, जब ऑर्डर आए, जब प्रोडक्ट बनाओ दे दो, तो इन्वेंट्री में रिडक्शन भी हो जाएगा कुछ हद तक, पूरा का पूरा नहीं होगा, कुछ हद तक होगा, ओवरहेड कम भी हमारी कॉस्ट आएगी, ठीक है, रिडक्शन इन एडवर्टाइजिंग कॉस्ट, एडवर्टाइजिंग करने की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, रेदर देन कि आप होर्डिंग लगाओ, जैसे मार्केट्स में जो होर्डिंग लग रहे थे रोड के बगल में आसपास यहाँ वहाँ, आप डायरेक्टली अमेज़ॉन पे या फिर गूगल पे यूट्यूब पे आप जाके एडवर्टाइजमेंट कर सकते हो, तो उसमें एडवर्टाइजमेंट की कॉस्ट भी बच जाएगी, इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स करने के फ़ायदे थे, बहुत आसान थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताता हूँ, रिस्क इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स, जब ई कॉमर्स करते हैं तो रिस्क क्या आती है, पहली रिस्क प्रॉब्लम ऑफ एनोमिटी, एनोमिटी का मतलब होता है कि जान
एनोमिटी मतलब होता है अनजान। ठीक है, क्या होता है कि मैं बायर हूँ और मैंने अमेजोन से कोई भी प्रोडक्ट खरीदा, जो सेलर ने वहाँ से बेचा, ना सेलर मेरे को जानता है और ना मैं सेलर को जानता हूँ। तो बिना जान पहचान के यहाँ पर ट्रेडिंग होती है। स्टार्टिंग में क्या था, हमारे दादाजी लोग, या फिर जब स्टार्टिंग में अमेजोन वगैरह आया होगा, या फिर अभी भी हमारे दादाजी लोग क्या बोलते कि भाई ऑनलाइन शॉपिंग मत करो, ना सामने वाला अपने को जानता है ना अपने अपन उसको जानते हैं, शायद पैसा लेके भाग जाए, ऐसा कुछ हो जाए, ये सब चीज़ें। ठीक है, तो वही चीज़ यहाँ पे इन्होंने बता दी कि भाई रिस्क यही है कि भैया देर इज़ ए नीड टू आइडेंटिफाई एंड ऑथेंटिकेट यूजर्स इन अ वर्चुअल ग्लोबल मार्केट। हमें आइडेंटिफाई करना चाहिए कि भैया ये जो वर्चुअल ग्लोबल मार्केट है, सारा ऑनलाइन का मार्केट है, भाई सेलर कौन है, बायर कौन है। ठीक है, वेयर एज एनी वन कैन सेल और बाय फ्रॉम एनी वन एनी थिंग और फ्रॉम एनी वेयर। कुछ भी चीज़ खरीद रहा है, कुछ भी चीज बेची जा रही है, कहीं से भी। ठीक है, और ठीक है, मैं आसान आसान से पॉइंट आपको बता दे रहा हूँ। ठीक है, सेकंड वाला या ये रख लो, लैक ऑफ ऑथेंटिकिटी ऑफ ट्रांजेक्शन। द इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट दैट आर प्रोड्यूस इन द कोर्स ऑफ ई कॉमर्स ट्रांजेक्शन मे नॉट बी ऑथेंटिकेट और रिलायबल। भाई जो ई कॉमर्स बोले तो ऑनलाइन जो बिल वगैरह रहते हैं, इन पे ज्यादा रिलायबल नहीं किया जाता। पहले क्या होता था कि जो कोड रहता था वो ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होते थे उन पर इतना रिलाय नहीं करता था, इतना विश्वास नहीं करता था। अब जरूर करने लगा, लेकिन हमारी जो बुक है थोड़ी सी पुरानी है, इसलिए 2016 का एडिशन है, तो इसलिए इसमें वो चीज़ नहीं दे रखी हुई। तो उसमें बोला गया लैक ऑफ ऑथेंटिसिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, यहाँ पर ट्रांजेक्शन इतने रिलायबल नहीं होंगे ऑनलाइन वाले। ठीक है, अब और क्या दे रखा है, डाटा लॉस हो सकता है, थेफ्ट हो सकता है और डुप्लीकेशन हो सकता है। भैया इंटरनेट के ऊपर इंफॉर्मेशन आ रही जा रही, भाई लॉस हो सकता है, डुप्लीकेशन हो सकता है, हैक अटैक फ्रॉम दी हैकर वेब सर्वर, जो जैसे अमेजोन का सर्वर उस पर हैकर्स ने अटैक बोल दिया, सारा डाटा उड़ा दिया। तो आप क्या कर लोगे, अगर आपका कोई डाटा, अगर आपका कोई पेंडिंग में, अगर आपका कोई प्रोडक्ट अगर पेंडिंग में वो अगर अटका हुआ है, तो वो अटक जाएगा, खत्म है, खेल ही खत्म हो गया। इसलिए बोला गया भैया ये रिस्क है। डिनाइल ऑफ सर्विसेज, सर्विसेज टू कस्टमर मे बी डिनाइल ड्यू टू नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ सिस्टम एज इट मे बी अफेक्टेड बाय वायरस ईमेल बॉम्ब्स। ठीक है, अगर सपोज करो आपका अमेजोन का सर्वर अगर हैकर्स ने हैक कर लिया गया और सारा डाटा उड़ा दिया गया है, या फिर वायरसेस से इन्फेक्ट हो गया, तो वो तो सर्विस देने से डिनाई कर देंगे, हम सर्विस नहीं दे पाएंगे, हमारे पास आपका कोई डाटा नहीं है। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट में बोला गया है नॉन रिकॉग्निशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजेक्शन। क्या होता था पहले के ज़माने में, कोड्स कोड्स में क्या रहता था, कुछ टाइम पहले के ज़माने में नहीं, कुछ टाइम पहले तक क्या हो गया कि ऑनलाइन जो ट्रांजेक्शन होते थे उनको रिकॉग्नाइज नहीं किया जाता था। ऑनलाइन जो भी रिकॉर्ड रहते थे, डिजिटल जो भी रिकॉर्ड रहते थे, उनको एविडेंस के रूप में हम लॉ कोर्ट में हम प्रस्तुत नहीं कर सकते थे। ठीक है, और क्या बोला गया, बस इतने ही पॉइंट बहुत है आपके लिए, आपका काम हो जाएगा 3 4 5। ठीक है, 5 पॉइंट कर लो, आपका काम हो जाएगा। रिस्क ऑफ रिस्क इन्वॉल्व इन ई कॉमर्स, ई कॉमर्स में ये रिस्क इन्वॉल्व है। ठीक है, टाइप्स ऑफ ई कॉमर्स, कितने तरीके की ई कॉमर्स हो सकती हैं, ये हैं 6। B2B बिजनेस टू बिजनेस, मैं आपको ऊपर ऊपर से समझा दे रहा हूँ, एक एक लाइन उसका उठा के आप पढ़ लेना। ठीक है, B2B बोले तो भाई एक बड़ा बिजनेसमैन दूसरे बिजनेसमैन को सामान भेज रहा है, सेंड सेल कर रहा है, उसको बोलते हैं अपन B2B, बिजनेस टू बिजनेस ई कॉमर्स करते हैं ऑनलाइन। ठीक है, B2C बोले तो अमेजोन वाला आपको सामान भेज रहा है, इसको बोलते हैं B2C, वो बिजनेसमैन है, आप कस्टमर है। ठीक है, C2B में क्या बोला गया है, एग्जाम्पल लेता हूँ मैं, फ्रीलेंसर वाले क्या करते हैं कि सपोज करो मेरे को एक सॉफ्टवेयर बनवाना है 1 लाख रुपए का, तो मैंने डाल दिया फ्रीलेंसर पे कि मेरे को सॉफ्टवेयर बनवाना है, मैं कस्टमर हूँ। ठीक है, अब कोई कंपनी आई जिसको ये प्रोजेक्ट चाहिए, ठीक है, जो सॉफ्टवेयर बनाना चाहती, तो वो मेरे से डील कर लेगी। तो C2B हुआ, कस्टमर किसके पास जा रहा है, बिजनेस के पास जा रहा है। ठीक है, कस्टमर कंज्यूमर टू बिजनेस, ठीक है, तो ये हमारा C2B हो गया। और उसके बाद था कि कंज्यूमर टू कंज्यूमर, C2C में क्या बोला गया कि भाई OLX वाला, समझा, OLX एक मीडिएटर बना, मेरे को सामान, ये OLX है, मेरे को सामान बेचना है, मैं सेलर हुआ। ठीक है, और किसी को सामान खरीदना है तो वो बायर हुआ, तो OLX क्या बना, मीडिएटर। तो ये क्या हुआ, C2C हुआ, कस्टमर टू कस्टमर हुआ ये। ठीक है, अब क्या हुआ B2G, B2G में क्या होता है कि बिजनेस टू गवर्नमेंट। सपोज करो गवर्नमेंट ने बोला कि आधार कार्ड बनवाने हैं, ठीक है, सबको आधार कार्ड बनवाना है इंडिया के अंदर, तो गवर्नमेंट क्या बोलेगी कि किसी कंपनी को उठाएगी, उससे बोलेगी, उसको टेंडर दे दिए जाएंगे कि भाई तुम पूरे इंडिया के अंदर आधार कार्ड बनाओगे, उन सब का डाटा लेके आओगे, फिंगरप्रिंट सिग्नेचर एक्सेट्रा एक्सेट्रा, उनके आधार कार्ड आप बनाओगे। तो ये क्या हुआ, B2G हुआ, बिजनेस किसके पास जा रहा है, बिजनेस की कोई कंपनी है गवर्नमेंट के पास जा रही है। इससे क्या होगा, अब आधार कार्ड से क्या होगा भैया,
आधार कार्ड गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, मतलब आपका डाटा गवर्नमेंट के पास पहुंच गया, ठीक है। तो ये क्या हुआ, बी टू जी बिजनेस वाली कंपनी गवर्नमेंट के पास जा रही है, ठीक है। आपका होता है बी टू ई, सपोज कह लो रिलायंस ट्रेंड में, रिलायंस ट्रेंड में एक बंदा काम करता है उस, अब रिलायंस ट्रेंड की कंपनी ने उनको क्या दिया, कूपन दे दिया उनके एम्प्लॉयज को, कि 1-1 लाख रुपए के कूपन है, आप जो रिलायंस ट्रेंड में जो भी प्रोडक्ट है आप आराम से खरीद सकते हो। तो वो बी टू ई हुआ, एम्प्लॉय को ही उन्होंने अपना कस्टमर बना लिया, बी टू ई हो गया, ठीक है। अब ये 6 के 6 हैं, इसके अंदर एक एक दो दो लाइन आप लिख लेना, ठीक है। बी टू बी में ये लाइन आप उठा के लिख सकते हो, यहाँ तक आप लिख सकते हो, या फिर अपने हिसाब से एक दो लाइन कट करना तो आप आराम से कट भी कर सकते हो, ठीक है, बी टू बी के अंदर। उसके बाद बी टू सी है, यहाँ तक लिख सकते हो, ओके। अब बी टू सी के एडवांटेजेस भी आपको लिखना पड़ेगा। बी टू सी में क्या भैया, अमेजोन वाला सामान बेच रहा है तो आपके एडवांटेजेस हैं, शॉपिंग कर सकते हो, फास्टर हो सकती है, ठीक है, मोर कन्वीनियंट तरीके से होता है, ऑफरिंग प्राइजेस कैन बी चेंज इंस्टेंटली, आप तुरंत प्राइस चेंज कर दो, ठीक है। कॉल सेंटर्स फैसिलिटी भी प्रोवाइड कर दी गई है, ठीक है। ब्रॉडबैंड टेली कम्युनिकेशन विल एनहेंस दी बाइंग एक्सपीरियंस, ठीक है साहब, टेली कम्युनिकेशन भी बहुत इफेक्टिव रोल प्ले कर रहा है, ठीक है सर, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद क्या है, बी टू सॉरी सी टू बी है, ठीक है, डायरेक्टली कांटेक्ट किया जा रहा है बिजनेस, ठीक है सर। इसमें आप एक एग्जांपल लिख सकते हो, सी टू बी के अंदर जस्ट डायल भी हो गया इसका, ये एग्जांपल आप लिखना चाहते हो लिख सकते हो सी टू बी के, ठीक है। उसके बाद आता है सी टू सी में, आप एग्जांपल लिख लो OLX, ठीक है, क्विकर डॉट कॉम, ओके। एक एक लाइन यहाँ से उठा लो आप, ओके, ये आप उठा सकते हो यहाँ से लाइन, ठीक है। उसके बाद बी टू जी में पूरी लाइन लिखनी है अपने को, ठीक है, बी टू ई हो गया हमारा, ओके, ठीक है, ये सारी चीज़ें थी, ये हो चुका है हमारा। अपन अब आगे बढ़ते हैं, की एस्पेक्ट्स टू बी कंसिडर्ड इन इम्प्लीमेंटिंग ई कॉमर्स, ई कॉमर्स को इम्प्लीमेंट करने के लिए कौन कौन से फैक्टर्स अपने को दिमाग में रखने पड़ेगा। सपोज करो मेरी शॉप है, मेरे को ऑनलाइन लेके जाना है, तो क्या क्या फैक्टर्स मेरे को दिमाग में रखना पड़ेगा। इम्प्लीमेंट करो अप्रोप्रिएट पॉलिसीज, स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस। सपोज अपने को क्या हो गया कि अपने को एक प्रोसीजर, गाइडलाइंस, स्टैंडर्ड फॉलो करने पड़ेंगे, भाई स्टैंडर्ड क्वालिटी का गुड्स होना चाहिए, क्योंकि अपन ऑनलाइन लेके जा रहे हैं, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। परफॉर्म करो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस भी, या कम से कम कॉस्ट में चीज़ों को प्रोवाइड कर सके, ठीक है। राइट लेवल ऑफ सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करो, ऐसा ना हो कि आप सामान बेच दिया पैसा ही ना आया हो, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो राइट लेवल ऑफ बेस लाइन कंट्रोल, अपने पास बेस्ट प्रैक्टिसेस होनी चाहिए, मतलब कंट्रोल्स लगाओ बहुत अच्छे लेवल के, ठीक है। इंटीग्रेशन ऑफ ई कॉमर्स विद द बिजनेस प्रोसेस एंड फिजिकल डिलीवरी चैनल, मतलब कि आप ही फिजिकल तरीके से डिलीवरी कर सकते हो, इंटीग्रेट कर दो आपको ई कॉमर्स का बिजनेस विद फिजिकल डिलीवरी के साथ। प्रोवाइड एडिक्वेट यूजर ट्रेनिंग, ट्रेनिंग प्रोवाइड करो आपके बंदों को, जितने बंदे आपके काम कर रहे, भाई कैसे काम करना है कैसे नहीं करना। परफॉर्म पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू टू एंश्योर क्वालिटी फॉर वर्क, ठीक है भैया। पोस्ट इम्प्लीमेंटेशन रिव्यू, तो जब आप काम कर रहे हो तो कोई दिक्कत आई है तो उसको जो फीडबैक मिला, कस्टमर का जो भी फीडबैक मिला हुआ है उसके बेसिस पे आप आगे काम करो, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोबाइल कंप्यूटिंग, मोबाइल कंप्यूटिंग यहाँ से पढ़ना है, सिंपल सा। मोबाइल कंप्यूटिंग मतलब मोबाइल के थ्रू, या फिर आपके पास टैबलेट है उसके थ्रू आप एम कॉमर्स करते हो, क्या कर सकते हो, बाई करते हो, सेलिंग करते हो, मोबाइल या फिर टैबलेट के थ्रू। तो सिंपल चीज़ें लिखी गई कि भैया इट इज़ अ बाइंग और सेलिंग ऑफ गुड्स ऑफ सर्विसेज थ्रू वायरलेस हैंड हेल्ड डिवाइसेस बोले तो मोबाइल और टैबलेट्स, ठीक है, सच एज सेलुलर फोन, मोबाइल फोन हो गया, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हो गया, नोन एज नेक्स्ट जनरेशन ई कॉमर्स, ठीक है, ओके। यहाँ तक ये लाइन लिख लेना कि भाई एम कॉमर्स एनेबल द यूजर टू एक्सेस द इंटरनेट विदाउट नीडिंग टू फाइंड अ प्लेस टू प्लग इन, मतलब कि अपने को चार्जिंग पे लगाने की आवश्यकता नहीं, जैसे कि पीसीज होते हैं ना, पीसीज को क्या करना पड़ता है, कनेक्ट करना पड़ता है डब्बे से, डब्बे को लाइट से कनेक्ट करना पड़ता है, ठीक है। तो यहाँ पे कोई प्लग इन करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली आप अपने फ़ोन को हैंडहेल्ड डिवाइसेस को इधर उधर ले जाके भी आप आराम से एम कॉमर्स कर सकते हो, ठीक है सर। अब उसके बाद अपने को क्या लिखना है, अब एक क्वेश्चन आया हुआ छोटू सा, कौन कौन सी इंडस्ट्री अफेक्टेड बाय एम कॉमर्स, एम कॉमर्स आने से कौन कौन सी इंडस्ट्रीज अफेक्टेड हुई, फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज हुई हैं इंक्लूडिंग मोबाइल बैंकिंग। भाई मोबाइल में आप सारी बैंकिंग कर सकते हो, पैसा ट्रांसफर कर सकते हो गूगल पे के थ्रू, आप आपका
बैलेंस चेक कर सकते हो आराम से, ठीक है, ये लाइन में अपने लिख लेना हो, ठीक है। टेली कम्युनिकेशन हो गया, टेली कम्युनिकेशन कंपनी बोले तो भाई जियो, भाई माई जियो ऐप डाल दिया उसने, आप अपना बिल का पेमेंट कब आपको पे करना है, कितना नेट बचा है, ठीक है, कितना आपने यूज़ कर लिया, कितने लोगों को फ़ोन कर लिया, सारी चीज़ें, कितने घंटे आपने कॉल, कितने घंटे की आपकी कॉल हुई, आपकी सारी चीज़ें आपको एक एप्लीकेशन के अंदर दिख जाएगी। तो टेली कम्युनिकेशन इंडस्ट्री भी इससे अफेक्ट हुई है, तो ये लाइन अपने को लिखना है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तीसरी चीज़ भाई सर्विसेज और रिटेल। एज कंज्यूमर आर एबल टू गिवन एज कंज्यूमर्स आर गिवन द एबिलिटी टू प्लेस एंड पे फॉर द ऑर्डर ऑन द फ्लाई। भाई सपोज करो वो स्विगी वाला, जोमेटो वाला, आप यहाँ से ऑर्डर दो और पैसा पे करो, वहाँ से आपका ऑर्डर आ जाएगा आधे घंटे के अंदर अंदर, ठीक है सर। तो ये रिटेल वाली सर्विसेज भी, रिटेल इंडस्ट्री भी अफेक्ट हुई है, रिटेल और सर्विस इंडस्ट्री, ठीक है। इंफॉर्मेशन सर्विस बोले तो भाई क्रिकेट न्यूज़ आप आराम से देख सकते हो, फाइनेंशियल न्यूज़ आप आराम से देख सकते हो मोबाइल पे, ठीक है सर। ये चीज़ हो चुकी है। अब अपना बचा हुआ लास्ट चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर। इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर, हम इलेक्ट्रॉनिक तरीके से फंड कैसे ट्रांसफर कर सकते हैं, ऑटोमेटेड टेलर मशीन से कर सकते हैं, पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन से कर सकते हैं, प्री ऑथराइज ट्रांसफर कर सकते हैं और टेलीफोनिक ट्रांसफर कर सकते हैं। टेलीफोन से भी हम चार तरीके से ई कॉमर्स सॉरी इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिकली हम फंड को एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट से हम कैसे ट्रांसफर करें, चार तरीके से कर सकते हैं। पहला क्या है, इलेक्ट्रॉनिक सॉरी ATM, दूसरा है पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन, प्री ऑथराइज ट्रांसफर और टेलीफोन ट्रांसफर। ऑटोमेटिक टेलर मशीन आपको सबको पता है, तो इसमें ज़्यादा घुसने की ज़रूरत नहीं है। कंज्यूमर्स बैंकिंग कर सकते हैं इसकी, उठा लेना यहाँ तक, ठीक है। आप चाहें तो पूरा भी लिखना चाहते हो पूरा भी लिख सकते हो, ओके। पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन में बोला क्या, बोला गया कि भाई सपोज करो आप मॉल में गए, या फिर आप आजकल तो किसी भी शॉप्स पर मिल जाती है, क्या मिल जाती है, ये एक मशीन रहती है, यहाँ पे अपना क्रेडिट कार्ड स्वाइप करो और पिन डालो और पेमेंट कर दो, बात खत्म। पॉइंट ऑफ सेल ट्रांजेक्शन इसका मतलब ये होता है, ठीक है। डेबिट कार्ड रहता है या फिर इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर कार्ड रहता है, आप स्वाइप करो मशीन में और पिन डालो और आपके अकाउंट से पैसा कट जाएगा। शॉपिंग, जब आप शॉपिंग करने जाते हो शॉपिंग मॉल में, तो उस वाला ये दे रखा हुआ है कि भैया सम डेबिट और EFT कार्ड, ठीक है, कैन बी यूज वन शॉपिंग टू अलाउ द ट्रांसफर ऑफ फंड फ्रॉम कंज्यूमर अकाउंट टू द मर्चेंट अकाउंट, ठीक है। ये चीज़ आप लिख देना, सिंपल था, इसलिए ज़्यादा अपन डेप्थ में नहीं जा रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं अपन। प्री ऑथराइज ट्रांसफर, अब इसमें क्या होता है, प्री ऑथराइज ट्रांसफर में बोला गया कि आपने बैंक वाले से बोल दिया कि मेरी 1 तारीख को EMI जानी है इस कंपनी को, या फिर मैंने किसी कंपनी से लोन ले रखा हुआ है, तो मेरे को इतना प्रिंसिपल इतना अमाउंट 1 तारीख को उसके अकाउंट में आप ट्रांसफ़र कर देना। तो आप अगर पहले ही बैंक से बोल के रखते हो ऐसा कि मेरे अकाउंट से 1 लाख रुपए हर महीने बजाज फाइनेंस से मैंने लोन ले रखा हुआ, तो उनके अकाउंट में ट्रांसफ़र कर दो, तो बैंक ट्रांसफ़र कर देगी, इसको बोलते भैया प्री ऑथराइज ट्रांसफ़र। तो पढ़ लेना इसके अंदर 3 लाइन, इसमें लिख लेना बहुत आसान है। चौथी है कि टेलीफोन ट्रांसफ़र। अब लास्ट वाला बच्चा है कि भैया टेलीफोन ट्रांसफर, इसमें क्या होता है कि भाई आप गूगल पे से अमाउंट को ट्रांसफ़र कर दो एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट पे, टेलीफोन में ट्रांसफ़र दिया, आपके अकाउंट से पैसा कट के दूसरे के अकाउंट में चला गया, ठीक है। ये चीज़ है, कंज्यूमर कैन ट्रांसफर फंड फ्रॉम वन अकाउंट टू अनदर थ्रू टेलीफोन इंस्ट्रक्शन। टेलीफोन में इंस्ट्रक्शन डाला कि भाई 1 लाख रुपये उसके अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया, आपने पिन डाला, आपके अकाउंट से पेमेंट कट के सामने वाले के अकाउंट में चला गया। ये था हमारा टेलीफोन ट्रांसफर, हमारा चैप्टर नंबर 3 खत्म हो गया। मुबारक हो, आपने एक चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं। अब बहुत आसानी से इसका रिवीजन करना, पार्ट पार्ट में इसको याद करना और पार्ट पार्ट में इसको रिवीजन करना, ठीक है दोस्तों। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और अगर आपको ये लेक्चर्स अच्छे लग रहे तो प्लीज़ फीडबैक दो मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, ताकि मेरे को भी मोटिवेशन मिले आगे के लेक्चर्स बनाने के लिए, ठीक है। व्हाट्सएप नंबर मेरा 7999931761 ये है, ठीक है। आप इस पर व्हाट्सएप मारो कि आपको लेक्चर्स कैसे लगे, कोई फीडबैक दो, कोई भी प्रॉब्लम हो कोई भी डाउट हो आप डायरेक्ट मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हो, प्लीज़ कॉल मत करना इस पर, ठीक है। और आगे के लिए बस बिंदास डटे रहो, पढ़ते रहो, आगे बढ़ना है, इस अटेम्प्ट आपको पास होना है, ठीक है। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।